खुश आमदीद। मुझे नहीं सुनना, आपने तो वादा किया था कि जब आप हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगी तो वक्त पर दवाई और खाना लेंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे जरूरत नहीं है अम्मी, आपको खुद को संभालने की जरूरत है, नहीं तो आपको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे बुलुत की याद आ रही है, उसे मेरे पास लेकर आओ। अम्मी शायद आप मेरी बात नहीं सुन रही, बुलुत को देखने के लिए पहले आपको खुद को ठीक करना होगा, वरना वो परेशान हो जाएगा। तुम मेरे नवासे से मुझे मिलने भी नहीं दे रहे, क्या ये कोई नई सजा है मेरे लिए? अम्मी मुझे वो सब नहीं सुनना। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझे नहीं खानी, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही, फिर मैं क्यों दवा खाऊं? जवाब चाहिए मुझे इसका। मेरे पास बचा क्या है? मैंने अपनी बेटी खो दी, मेरे बेटे को गुजरे हुए सालों बीत गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अपने अंदर के सारे जहर को बाहर निकाल दो और मुतमईन हो जाओ। तुम मुझे पिछले 15 सालों से सजा दे रहे हो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा चुप रहा। मैं अपने बाबा के चेहरे को देखकर हमेशा चुप रहा, मैं ज़ैनब को देख के भी हमेशा चुप रहा हूँ। चुप मत रहो, चीखो चिल्लाओ अब और चुप मत रहो। काश तुमने उस वक्त बोल दिया होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी अंजाम होता। अम्मी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, अब बस आप और बुलुत के अलावा कोई नहीं बचा। काश तुमने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया होता। क्या बता दिया होता? क्या बताना था मुझे बाबा को? ये कि तुम्हारी माँ उनको धोखा दे रही है और तुम्हें ये बात गलती से पता चल गई है। ये बात तुम उन्हें बताना चाहते थे ना, और इसे अपने दिल में ही दफन नहीं रखना चाहते थे, और इसलिए तुम मुझे सजा दे रहे हो। मैं उस वक्त एक बच्चा था, अगर आप उस वक्त बता देती तो आप मुझे इस अजाब से निकाल देती। तब इतनी समझ नहीं थी, ना समझ और अकेली भी थी। तुम्हारे बाबा हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, मैं ये सब बहाने बना रही हूँ बस। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटा। ये बातें जानता हूँ मैं, आपने गुनाह किया है। आप मेरे बाबा से मोहब्बत नहीं करती थी, आप पैसों के लिए उनके साथ थी। अगर आप सही से मेरी बात मानेंगी और दवाएं वक्त पे लेंगी तो मैं बुलुत को जल्द इस घर में ले आऊंगा। क्या तुम उन्हें देख सकती हो? हाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा, चलो चलते हैं हम। लेकिन बिल्कुल हिफाजत से। चलो अब चारों तरफ से देखते हैं इसे। ठीक है, हम देखते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जंगल में कैसे हिफाजत करते हैं। हाँ, तुम उठाओ, पकड़े गए तुम लोग। तो तुम आ ही गए, सिर्फ एक आदमी हमें कैसे पकड़ सकता है? मैंने सोचा रंगे हाथों पकड़ लूंगा तुम दोनों को। हाँ, अगर तुम दोनों ने अपनी गन्स नीचे नहीं की तो मैं तुम दोनों को पानी से भिगा दूंगा। तो क्या करें फिर, हार मान ले क्या इससे? ठीक है, पता है ना क्या करना है? बिल्कुल नहीं। अटैक करो बुलुत। अरे छोड़ मेरे, ये लो। तुम सबको भिगा दूंगा मैं, समझे तुम? ये क्या इतनी जल्दी नहीं करते? अरे अरे क्या कर सकते? नहीं करो, बस करो। बुलुत बुलुत रुक जा रुक जा, माफ कीजिएगा, हमने जान करके नहीं किया। अरे मैं माजरत खा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप अचानक आ जाएंगे। अरे पत्नी पर आधे घंटे में ब्लूथ की फिजियोथेरेपिस्ट आएंगी, इसलिए उसे कमरे में जाकर तैयार होना है। हम तो वैसे भी जा रहे हैं। हाँ, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ घर के। चलो बस खत्म करो ये सब। चलो हम तुमसे बाद में मिलते हैं। चलो एक जोर से पकड़ी चाहिए होगी मुझे। हाँ, बाद में फिर मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखना, अपने पैरों का भी ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। Yeah!
चलो ब्लूथ। आओ छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फतोश। मेरी कजन की सुबह में मेहंदी और शाम में शादी है, मैं इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। अरे यार तुम फिक्र ही ना करो, मैं पूरे दिन इस जगह का ख्याल रखूंगी। तुम बस तैयार हो जाओ और मेहंदी में जाकर खूब मजे करना, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो फतोश। काम तो बहुत ही आसान है, मेरा दोस्त 2 घंटे के लिए बाहर जाएगा। ओके। और तुम तो इस काम में बहुत एक्सपर्ट हो, तुम्हें बताना भी नहीं पड़ेगा। अरे यार मैंने कहा ना तुम परेशान नहीं हो, चलो हक दो जल्दी से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फतोश। चलो मैं चलती हूँ, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे हॉट डॉग मिल सकता है? हॉट डॉग चाहिए? आपकी पसंद तो बहुत शानदार है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हॉट डॉग आपके लिए काफी होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आप बहुत खाते पीते खानदान से लगते हैं, लेकिन अगर आप साथ में तांतुनी भी ले लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक साथ तांतुनी भी कर दीजिए। बिल्कुल, अभी आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। तांतुनी रेडी करो। हाँ लगता है आ गए वापस। मुझे पक्का यकीन है किसी कस्टमर को नाराज करके आ गई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरी बहनों ने तुम्हें यहाँ देख लिया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तुम कहीं और आ जाते या मैं कहीं और आ जाती। हाँ याद आया, मेरे पास तो फोन ही नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि घर पर कोई नहीं है तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आता। वैसे मिस देमित ने भेजा है मुझे एक नए मोबाइल फोन के साथ। उन्होंने सलाम भेजा है और कहा है कि इसे बिल्कुल भी मत खोना। या अल्लाह, ये तो वही फोन है जो मैं हमेशा से खरीदना चाहती थी। आसमान तुम्हारी किस्मत चमक गई, मैं इसके लिए अच्छा सा कवर लेकर आऊंगी। बुलुत, बुलुत कहाँ है? वो अपने कमरे में खेल रहा है। अच्छा, बुलुत को दिन में सोने नहीं देना क्योंकि फिर उसको रात को नींद नहीं आती है और फिर वो पूरी रात जागता है। उसे दोपहर में सोना पसंद नहीं है। अच्छी बात, मैं अब जा रही हूँ, कोई भी काम हो तो कॉल कर लेना। हाँ लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक कोई जरूरी काम ना हो। जी ठीक है। ये कौन हसीन परी है? थैंक यू मेरी जान। यू आर वेलकम। क्या तुम जा रही हो? हाँ। तो चलो फिर हम साथ चलते हैं। नहीं आकान, मुझे अकेले ही जाना होगा, मैं फरीद की कंपनी में जा रही हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। हाँ जरूर, ढील मत देना। हाँ चलो एक काम करते हैं, दूसरी साइड का आइडिया बहुत अच्छा है, तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ जरूर, मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को जानवरों के बीच कैसे छोड़ दूँ। आ जाओ। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए मैडम। तारिक, हम काम में इतने मसरूफ हो गए कि अपने आप को ही भूल गए हैं। चलो कुछ खाने चलते हैं यार। लेकिन खाएं भी क्या? क्या आप अपनी सलाद वाली दुकान पे फिर से जाना चाहेंगे? नहीं भाई, रोजाना सलाद खाकर घास फूस जैसी बदबू आने लगी है मुझे खुद में से। थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए ना यार। मैं समझ गया एंगल साहब, अगर आप मुझसे पूछें तो एक जगह ले जाना चाहूंगा। तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक करने का तो नहीं सोच रहे ना तारिक? नहीं नहीं, अब की बार मजाक नहीं, अब की बार मैं आपको हॉट डॉग खिलाने ले जाऊंगा, उसकी चटनी वो खुद से बनाते हैं। उफ उफ, ठीक है फिर वहीं चलते हैं हम। अगर कहीं और जाना चाहते हैं तो कहीं और ले चलता हूँ। हॉट डॉग का सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया है भाई, वहीं चलते हैं। ये लीजिए आप लोग। वाह वाह वाह, इतनी मशहूर डिजाइनर फतोश को हमने कभी इस तरह नहीं देखा। अरे आसमान तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बहन ने नई जॉब स्टार्ट की है, मुबारकबाद देने नहीं आती। ये कितना खूबसूरत है, क्या तुमने खुद से बनाया है इस मौके के लिए, यानी यहाँ जॉब करने के लिए? तुम मेरा मजाक बना रही हो ना लड़की, कम से कम मैं अपनी बहन के पैसे तो नहीं उड़ाती ना, खुद कमा के खाती हूँ। खाने से याद आया मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या ऑर्डर है आपका? आसमान तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? ये तो बहुत खूबसूरत है, कितना अच्छा है ये। वो गामजे के भाई का प्रमोशन हुआ है तो उसने उसे नया फोन दिया है और गामजे ने अपना फोन मुझे दे दिया है। पर ये इतना मामूली फोन नहीं है कि किसी को भी यूं ही दे दिया जाए, तुमने इसके बदले में जरूर उनका कोई काम किया होगा। फतोश पीछे मत देखना, मैं तुमसे कह रही हूँ ना पीछे मत देखना। क्या हो गया है? चुप रहो, फौरन अंदर जाओ। एंकिन आ रहा है। क्या? और उसके साथ तारिक भी है।
यहाँ छुप जाओ और बिल्कुल बाहर मत निकलना। अगर कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो मैं संभाल लूंगी। वैसे ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? क्योंकि इनको यहाँ आने का रास्ता मैंने ही बताया था। कितनी बेवकूफ हो फतूश, मैं तुम्हारी बकवास बाद में सुनूंगी। यहाँ से बिल्कुल बाहर मत आना, तुम समझी? यही वो जगह जिसका तुम मुझे बता रहे थे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ी अजीब सी जगह है, पर यहाँ का खाना अच्छा है, मेरी दोस्त ने बताया था। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। अरे तारिक साहब, एंगिन साहब आए हैं, आइए आइए, खुश आमदीद। सलाम। आसमान, तुम यहाँ काम कर रही हो? हाँ जी, ऐसा ही है, मेरी मजबूरी है। वैसे तो मुझे इंटर्नशिप करनी थी पर कंपनी नहीं मिली। तुमने टूरिज्म की पढ़ाई नहीं की क्या? तुम्हें किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये इंटर्नशिप दरअसल कारोबार से रिलेटेड है, तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं। मैं आपकी कंपनी में भी कर सकती हूँ, पर मुझे पता है आपकी कंपनी के लिए लोगों ने अभी से डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए होंगे। अच्छा हाँ, ऐसा तो होता ही है। मुझे तो बहुत परेशानी हुई, अगर मैंने इंटर्नशिप नहीं की तो मुझे एक साल और पढ़ना पड़ेगा। तारिक, इकबाल साहब को कॉल करके देखो, अगर हमारी कंपनी में कोई जगह खाली हो तो इनके लिए बात कर लेते हैं। जी जी, मैं इस चीज का ख्याल रख लूंगा। तो आप खाने में क्या पसंद करेंगे, मैं आपके लिए क्या बनाऊं? मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर हॉट डॉग अच्छा मिलता है, तो हमारे लिए दो हॉट डॉग कर दीजिए, ठीक है ना एंगन साहब? अच्छा, मेरे लिए दो कर देना, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। हा? मुझे भी एक छाछ और सोडा दे देना, ये भी एक दोस्त की सिफारिश है, मैं दोनों मिला के पीऊंगा। एंगन साहब, अगर आप चाहें तो हम बाहर बैठ सकते हैं। आपके दोस्त ने बहुत सही सलाह दी है, हमारे पास हॉट डॉग बहुत मशहूर हैं। मैं बस अभी लेकर आई लड़की, अल्लाह तुम्हें बहुत आजाद देगा। क्या करना है आप? वहाँ 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 से एक ब्रेड उठाओ, उसमें हॉट डॉग डालो। और क्या डालना है इसमें? इसमें मेरे काम की फाइलें नहीं है, क्या तुम बाकी फाइल्स भी लेकर आ सकते हो? मैं इसके अलावा आपको कोई फाइल नहीं दे सकता, बॉस की इजाजत के बगैर आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी। अब मुझे तुम्हारी बातों से झूठ की बू आ रही है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सोच लो, पर मेरे पास कोर्ट का फैसला है, अब मैं इस कंपनी की कोई भी डील देख सकता हूँ, समझ गए तुम मेरी बात? क्या हम फरीद साहब के लिए रुक सकते हैं या एंगिन साहब के लिए? वो लोग खाना खा रहे हैं। मुझे एंगिन की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ यहाँ आके कोई भी फाइल देख सकती हूँ, समझ गए आप? इजाजत नहीं है, सारी फाइल्स फौरन उठा लो अभी, मेरी इजाजत के बगैर कंपनी की मालूमात किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई जरूरी फाइल नहीं दी थी सर। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वेलकम मिस्टर फरीद, पर तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि मैं कभी भी किसी भी फाइल को देख सकता हूँ सिर्फ कोर्ट की इजाजत से। वकील के मुताबिक मुझे फाइल्स देखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं बुलुत की महाफिस की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। तुम लोगों की एक कंपनी है और तुम भी इस इंडस्ट्री में काम करते हो, ये नामुनासिब हरकत है दूसरों की खुफिया फाइल्स को देखना, और वो भी जायदाद हड़पने के लिए। कोर्ट को हमारी मुखालफत सही लगी है। अगर तुम्हें हमारा ये मीटिंग रूम इतना पसंद आया है तो यहीं बैठे रहो हकान, पर अपनी गंदी नजर मेरी कंपनी से हटा लो। और इसके अलावा तुम अभी पार्टनर नहीं बनी हो दैमित, और अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कंपनी में घुसने नहीं दूंगा, याद रखना मेरी बात। शायद एक दिन ऐसा आए कि मैं तुम्हें इस कंपनी में घुसने भी ना दूं। ख्वाब ही देखते रहो बस। तो मैं बताऊंगा कि ख्वाब है या डरावना सपना। ग्रुप तो हमारा बहुत अच्छा है और रिकॉर्डिंग के लिए जगह भी मिल गई। हम लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं और यकीन करो ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें वो गाना याद है जो मैंने तुम्हें सुनाया था? हम उस गाने को भी ऐड करने का सोच रहे हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो जी, जी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने पहले कॉल की थी आपको, मुझे आपसे बुकिंग के हवाले से बात करनी थी, और आपने कहा था कि कमरा खाली नहीं है। फिर मुझे याद आया कि
मेरी एक दोस्त शेफ है जो कि आपके शेफ्स को जानती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसके लिए जॉब का बंदोबस्त कर दें। ठीक है, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। मैं इंतजार करूँगा, होती है मुलाकात, खुश रहिए। डेनिस, क्या आज रात तुम्हें नाजली को डिनर पे ले जाना है? फतोश बस भी कर दो यार, तुम अभी तक परेशान हो रही हो, वो लोग जा चुके हैं, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कब तक उस आदमी से भागती रहूंगी यार। भाई जब सही वक्त आएगा तो तुम सब बता दोगी ना उसे, अभी अपना दिमाग खराब मत करो। काश सब कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आज तो तुम मेरे लिए वसीला बनकर आई हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उससे तुम सुधर गई हो? नहीं तो, समझदार तो नहीं हुई, बस मुझे नया फोन मिल गया उसी की खुशी है। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया है? क्योंकि जिस आसुमन को मैं जानती हूँ वो मजे लेने के लिए किसी का भी मजाक बनवा सकती है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मतलब तुम मेरी तरह ही हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा ही परेशान कर देती हूँ लोगों को, लेकिन अब मैं ऐसा करना नहीं चाहती, बाद में मैं अपने ही झूठ से नुकसान उठाती हूँ। पर मैं तुम्हारी तरह कोई बड़े बड़े झूठ नहीं बोलती, छोटे छोटे बोलती हूँ फिर उन्हीं में फंस जाती हूँ। खुदा किसी को भी ऐसी हालत में ना डाले, तौबा, कभी भी नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो आसुमन। यार कितना सही वक्त आया था, काश कि तुमने मुझे रोका नहीं होता। अगर तुम मुझे नहीं रोकती ना तो उसके सामने आज सारा सच मैं खुल के बयान कर देती आसुमन। तुम कितनी अजीब हो फतोश, और ना शुक्री भी। तुम चाहती हो मैं एंगन के पास जाऊँ और उसे सारी हकीकत बता दूँ? नहीं, उसे कुछ मत बताना। और बताओ क्या खाओगी? लेकर आऊँ मैं कुछ मेरी तरफ से? हाँ हाँ जरूर, जो रखा है ले आओ। ये लो चाय। शुक्रिया। डेनिस, नाजली सिर्फ दोस्त मानती है तुम्हें, बस एक अच्छा दोस्त। मतलब जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है तो ऐसा ही लगता है। देखो देखो, तुम नाजली से अभी भी मिले हो और तुम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हो भी। उस दौरान तुम्हें वो पसंद आ गई, ठीक है, ये आम सी बात है लोगों का पसंद आ जाना। मैं ये नहीं कह रही कि ये वक्ती जज्बात हैं, मेरा मतलब है अभी ये सही वक्त नहीं है। अभी तुम जो भी कहोगे नाजली से वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। मैं तुम्हें ये बात एक दोस्त की तरह समझा रही हूँ। कुछ दिन की बात है, अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब, मैंने इनसे कहा था कि मुझे देखने दे कि आप फ्री हैं या नहीं, पर मैंने कहा मैं कोई गैर थोड़ी हूं। तुम्हें कुछ चाहिए दैमित? नहीं, या शायद हाँ, मुझे पुरानी यादें ताजा करनी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई याद बाकी है। गलत कह रहे हो, असल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे जब ये तुम्हारे बाबा का कमरा हुआ करता था तो मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद था। अंकल हसन मुझसे कभी नाराज नहीं होते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम जाओ, बल्कि वो तो मुझे छोटे छोटे काम करने के लिए दिया करते थे। वो कहते थे जैसा बीज वैसा पौधा, वो हमें छोटे छोटे काम इसलिए देते थे कि ताकि हम खुद को बेकार ना समझें। हाँ,
कौन जानता था कि दिन ऐसे बदल जाएंगे। हम सब एक फैमिली हुआ करते थे। ये इतनी पुरानी बात है, मुझे तो अब याद भी नहीं। बस कर दो फरीद, अब ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं डेनिस, दिमर, जैनब, तुम और मैं हमेशा साथ रहा करते थे। वो कितने अच्छे दिन थे। इतने भी अच्छे दिन नहीं थे, तुम्हें गलत फहमी है शायद। तब तुमने अपना खानदान तोड़ दिया था जब तुमने अपने बाबा को धोखा देकर हक्कान से शादी की थी। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम बिगड़ी हुई, मतलबी और गैर जिम्मेदार थी दैमित, और तुम अब भी ऐसी हो। जब तुम्हारे बाबा को दिल का दौरा पड़ा था तब भी तुम नहीं रुकी। तुम मुझे अपने बाबा के मरने का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जाओ यहाँ से दैमित, मुझे कुछ जरूरी काम है। दैमित क्या हम चलें? जरूर मेरी जान। शुक्रिया, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गलत समझे, और तुम्हारी दोस्ती के लिए भी शुक्रिया। जब मैं नाजली के साथ वक्त गुजारता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। वो हादसा, मेरा भाई जैनब बाजी, इसलिए मुझे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या आज हम साथ खाना खाएं? नहीं डेनिस। क्यों भाई, फतोश और नाजली दोनों तुम्हारे साथ आएंगे, हम लोग तुम्हारे गाने के बारे में बात करेंगे, ओके, और साथ में कुछ मौज मस्ती करेंगे, ठीक है? आलिया, मेरा और कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता हूं। ठीक है, आऊंगी। चलो अब मुझे जाना है, आज शाम में मिलते हैं। शुक्रिया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। अच्छे से करना। खैर चलो अच्छा है, तुम आज मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाती? फतोश के साथ आलिया भी आ रही है, हम लोग साथ खाना खाएंगे और थोड़ी मस्ती करेंगे, कुछ गाने वाने भी सुनेंगे, तुम क्या कहती हो? आज रात? हाँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? दरअसल नहीं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ जरूर। खुश आमदीद। हाँ, कैसी हो नाजली? आप जल्दी आ गए तो मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया, अगर कहते हैं तो बना देती हूँ। मुझे भी भूख नहीं है, तुम ठीक हो? क्या मतलब? कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ कल की बात, अब मैं ठीक हूँ, आज सारा दिन खाया है मैंने। फरीद सर, आज मैं बलूत से मिलने गई थी, मिस दैमित के घर। आपको भी उससे मिलने जाना चाहिए, वो आपको बहुत याद करता है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। पर बलूत तो वहीं रहता है। वो यहाँ जल्दी वापस आ जाएगा। तो जब तक वो वापस नहीं आता आप उससे मिलेंगे नहीं? मैं कुछ और इंतजाम करूंगा, पर अकान के घर नहीं जाऊंगा। आप सही मौके का इंतजार करेंगे और बलूत नाराज हो जाएगा। आप उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर आप उसके साथ भी तो नहीं है, वो आपको बहुत याद करता है।
मुझे लगता है कि आपसी लड़ाई से ज्यादा आप लोगों को बुलूत पे फोकस करना चाहिए। खैर, ये आपका डिसीजन है, मैं चलती हूँ। वैसे दो दिन में बुलूत की सालगिरह है, तो अगर आपको कुछ इंतजाम करना है तो उसका ख्याल रखिएगा। मैं जा रही हूँ। अरे यार आसुमान, कहाँ रह गई? मैं कब से तैयार हूँ। आ रही हूँ। आ नाज़ली, खुश आमदीद। चलो अच्छी बात है, तुम आ गई, हमारी पूरी टीम हो जाएगी। मुझे लगा कि तुम सीधा वहीं पर पहुंच जाओगी, लेकिन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम इंतजार कर लेंगे। फतोश, मैं नहीं जा सकती। क्या मतलब है कि नहीं आओगी तुम? नाज़ली, यहाँ देखो, मैं थक गई हूँ, ये वाले बहाने मत बनाना मेरे साथ। यार फतोश, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं जानती। फरीद साहब के पास जॉब करके मैं इतना थक जाती हूँ, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्या करूँ मैं यार। बिल्कुल हिम्मत नहीं कहीं जाने की। अल्लाह अल्लाह। आ ये लो, मेरा इम्तिहान आ गया। एंगिन? फतोश, कहाँ हो तुम और क्या हो रहा है? मैं घर पर हूँ, काम कर रही थी। दरअसल कुछ जरूरी काम थे तो सोचा कि बाहर का काम भी घर पे ही निपटा लूँ। ओ अच्छा अच्छा, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हम आज एक मौसीकार दोस्त की तरफ जा रहे हैं, आलिया भी आएगी, तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। फ्री हो ना तुम? प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन दरअसल कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे वो करना है, मैं उस काम को पेंडिंग में नहीं डाल सकती। पर पिछली बार मजा आया था। हाँ, पता है, आलिया ने भी बताया था, लेकिन क्या करूँ, मैं आ नहीं सकती ना आज, बता तो रही हूँ, काम बहुत है, प्लीज माजरत। अच्छा ठीक है, फिर कभी सही, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ओके बाय। या अल्लाह, तूने बचा लिया। एंगिन भी डेनिस की पार्टी में जा रहा है, मैं भी वहाँ चली जाती और सारा भांडा फूट जाता, मैं तो बच गई। काश तुम लोग मिल लेते फतोश, सबसे बेहतर यही होता, सारा तमाशा खत्म हो जाता। तुम बुढ़ी हो रही हो इंतजार करते करते। उसे देखते ही मेरा रंग उड़ जाता है, तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? मैं वहाँ जाती तो पागल ही हो जाती, सब लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाता, इससे अच्छा है कि मैं ना ही जाऊँ। मैं तो आज बाल बाल बच गई यार। क्या मतलब है, हम नहीं जा रहे? हाँ नहीं जा रहे बस। तुम दोनों क्यों नहीं जा रहे हो? क्या मैं भी नहीं जा सकती? मत जाओ सुमन, लोगों को जरा सुकून से रहने दो उनकी जिंदगी में, वैसे ही तुमने सबको बहुत परेशान कर दिया है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की कि मुझे दावत में ले चलो। आलिया मुझे अपनी दोस्त समझती है, इसीलिए बुलाया होगा मुझे, जल्दी आ जाऊंगी। अरे यार नाज़ली से जाने दो ना, वरना ये पूरी रात पक 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 करके हमारा दिमाग खाती रहेगी। जिसके पास भी आसमान होगी वो इंसान रोज रोएगा। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी वापस आना। ठीक है, बाद में मिलते हैं, एंजॉय करना आसुमान। आसुमान, एंगिन पर नजर रखना, अगर वो किसी से बात करने की कोशिश करे या उसके आसपास लड़कियां मंडलाएं तो मुझे जरूर बताना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस पे पूरी नजर रखूंगी। बहुत अच्छे, शाबाश फतोश, तुमने इसे जासूसी पे लगा दिया है। अरे हाँ ना यार, जब घर में एक जासूस मौजूद है तो काम आए ना। तुम दोनों का तो जवाब नहीं। अच्छा तो फिर हम इसे भी बदलते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे बदल देता हूँ। हाँ भाई, हम लोगों ने तो बहुत ही एंजॉय किया, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा आइडिया है, तुम काफी क्रिएटिव इंसान हो। हाँ मैं यही बता रहा था कि बहुत जबरदस्त रहा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? हाँ लेकिन तुम भी आज कम नहीं लग रहे। हाँ फतोश का अफसोस है यार। हाँ उसकी बदकिस्मती है। वैसे नाज़ली कहाँ है? उसने ऐन मौके पर ही मना कर दिया। डेनिस ने जरूर नाज़ली को कॉल की है, उसके चेहरे से जाहिर है। अरे कोई बात नहीं यार, हम लोग बाद में फिर मिल लेंगे। चलो तुम अपना ख्याल रखो, बाद में मिलते हैं। ओके बाय बाय। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ना सिंगिंग शुरू करें? भाई सबको इसका इंतजार है, आ जाओ। अरे तुम कोई ड्रिंक वगैरह लो ना यार, कम ऑन। मेरी प्यारी दोस्त,
मैंने तुम्हारे लिए गर्म गर्म चाय तैयार की है, जल्दी से पी लो। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। हाँ तो मिस नाजली, तुम इस टॉपिक से भागती हो लेकिन मैं इस वक्त जाने नहीं दूंगी, तो बेहतर है कि कल का टॉपिक हम दोबारा से शुरू करें। यार फतोश, मैं गुस्से में थी इसलिए ये काम कर रही थी, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। आह, मैं सबसे थक चुकी हूँ यार। मैं अपने आप से सवाल करने लगी हूँ कि मैं खुद को इतना क्यों परेशान कर रही हूँ इस सब में। ये तो मेरा मसला ही नहीं है। कभी ऐसा कुछ करते हैं कि मुझे लगता है कि अच्छे इंसान हैं, और कभी ऐसे हो जाते हैं कि मेरा दिल करता है कि सर दीवार पे मार दूं। हाँ, ये आदमी पागल तो नहीं है कहीं? एक अमीर पागल। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे हर अमीर चीज पसंद है। मैं बुलूत के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकती यार। मुझे नहीं पता कि तुम और क्या कर सकती हो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में है तुम कर रही हो यार। इन लोगों को जरा भी अकल नहीं कि अपनी लड़ाई में उस बेचारे बच्चे को तो ना घसीटे। बेचारा बच्चा। और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वो मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उस बच्चे को कैसे ना उम्मीद कर दूं यार। उसके मामू के बदलते मिजाज को तो मैं नहीं संभाल पाती, तो वो तो सिर्फ बच्चा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग खुद ही अपने मिजाज को नहीं समझ पाते होंगे। कैसे हैं ये? मेरी एक बात सुनो नाजली, मुझे लगता है कि इंसान का बिहेवियर उस वक्त बदलता है जब उसे डर होता है कि कीमती चीज कोई उससे खो ना जाए। बस फिर ऐसी ही हरकतें होती हैं। ये रही ना मिसाल सामने। जी फतोश मैडम, मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम्हारी और एंगिन की बात कब आएगी। बस भी करो ना। मुझे डर लग रहा है नाजली। डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है फतोश। हाँ ये बात जानती हूँ मैं। पता नहीं यार, मुझे बेइज्जती का डर लगता है बहुत। बस बेइज्जती ना हो जाए मेरी। फतोश बात को मत बढ़ाओ, शर्म आए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तुमने झूठ बोला है इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मेरी प्यारी दोस्त। दोस्त होते ही इसलिए। चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम बैठकर आराम से काम करो। आकरो आकरो जल्दी से खाओगी। क्या मतलब इसका? मतलब कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरी जान। चलती हूँ। आमीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आलिया। क्यों ना एक और गाना गाएं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन दोनों साथ गाएंगे? सॉरी मेरी जान, नहीं गा पाऊंगा मैं। नहीं, तुम गाओगे। चलिए जैसे आपका हुक्म। बहुत अच्छी। आलिया की आवाज बहुत खूबसूरत है। वो तो है, कोई शक नहीं है। कामयाब हो जाए जिसकी तलबगार है वो, उसे एक मौका मिल जाए। कभी कभी आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। हाँ उसकी आवाज प्यारी है और माहौल भी अच्छा है, पर अगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब कोई कमी रह गई है। शायद उसे अपनी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं, या शायद वो कुछ बातों की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। शायद सही कह रही हो तुम। चाहे हम किसी भी चीज से कितनी ही मोहब्बत क्यों न कर लें, कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज सुनने की बहुत जरूरत होती है, जो हम नहीं सुन पाते हैं। जब आप अपनी सुनते हैं तो आप अपनी तकदीर बना लेते हैं। ऐसे ही है ना? सही कह रही हो। इंसान के लिए खुद की बात सुनना मुश्किल होता है, पर मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। क्यों? मैं समझदार नहीं लगती आपको? ऐसा नहीं है, मैं इसलिए हैरान हुआ क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। मैं बेवकूफ जरूर लगती हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिमाग चलता है। सबको मेरे बारे में ये लगता है कि मैं बहुत मजे करती रहती हूँ। हकीकत यह है कि मैं अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, तो बस यही सब सोचकर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। Sahneler aklımda, seninkilerden farklı ama artık kendini kandırma. Yoktur üstüne senin, güzeli çirkin yapmakta, suçuysa dünyaya atmakta. Neyin bildin ki değerini, benimkini bileceksin, bunu da tabii mahvedeceksin. İki yabancı, iki yabancı.
थकान मैं सोने जा रही हूँ। तुम इतनी जल्दी तो नहीं सोती, आज क्या हुआ? इसलिए कि मैं थक गई हूँ। आज फरीद से किस बात पर झगड़ा हो रहा था? मैं फरीद और उसके घमंड पर बात कर रही थी। क्यों, क्या उससे बात नहीं की जा सकती? तुम उसके कमरे में क्यों गई थी? मुझे लगा कि मैं उससे बात कर लूंगी। क्या तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि तुम उससे बात नहीं कर सकती? मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ आकान, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। प्रमोशन से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सच कह रही हूँ, ये गामजे ने दिया है। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती होगी जहाँ प्रमोशन देने पर मोबाइल ना मिलता हो। गामजे के भाई की प्रमोशन हुई है और उसने अपना फोन मुझे इसीलिए दे दिया क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। मेरी बात का यकीन करें। आसुमान तुम पागल हो क्या? मुझे ये प्रमोशन वाली बात समझाओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। प्रमोशन दूसरों की हो रही है और फोन तुम्हें मिल रहे हैं, क्या चक्कर है ये? मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो फोन था वो आपने अपने पास रख लिया है। आप मेरा फोन अपने पास रख लें, इसी तरह मुझे नए नए फोन मिलते रहेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपको नया फोन मिल जाए तो मेरा पुराना फोन मुझे वापस कर दीजिए। एक थप्पड़ मार के तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ। अभी मैं तुमसे पूछ क्या रही हूँ और तुम बता क्या रही हो? तुम्हारा दूसरे लोगों की तरक्की से क्या लेना देना है बताओ मुझे? और तुम्हें कब से ये नए फोन की लत लग गई है आसुमान? मेरी बात सुनो आसुमान, वैसे ही तुम बहुत गलतियाँ कर चुकी हो। हर दिन कोई नई मुसीबत लेके आ जाती हो। इस बार अगर तुमने मुझसे कोई राज छुपाया तो याद रखना कि मैं तुम्हारा अंताकिया का टिकट कटवा दूंगी और तुम वापस भी नहीं आ पाओगी इधर, याद रखना। अरे यार क्या हो गया है, क्यों लड़ना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने सुबह सुबह? तुम दोनों तो सगी बहनें हो यार नाजली। मैं सुबह सुबह लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठ जाती हूँ, झगड़ा मत किया करो। तुम्हें तो बस मेरी ही आवाज़ आती है फतोष, इतने महंगे तोहफे कहाँ से ला रही है जरा पूछो तो। आराम से पकड़े, टूट जाएगा। नाजली क्या तुम्हें पता नहीं है कि आसुमान की तकदीर कितनी बुलंद है? मीठी छुरी आसुमान, इसकी दोस्त ने इसको तोहफा दिया है, इसने खुद थोड़ी मांगा है, इसको इस्तेमाल करने दो यार। वैसे भी आसुमान के रवैये में मुझे बहुत सुधार दिख रहा है और सच बताऊं तो मुझे ये सुधार बहुत पसंद आया। अब देखो ये सब बातें बंद करो, ये बच्ची है, इसको एक मौका देना चाहिए ना हमें। इसकी बात तो सुनो। चलो, मतलब सिर्फ मैं ही अंधी हूँ, मुझे नहीं दिख रही कोई तब्दीली। ठीक है, अब तुम भी इसकी तरफ हो गई हो तो जो मन में आए करो, लेकिन अगर ये फोन मेरे सामने यूज किया तो मैं तोड़ दूंगी, याद रखना। और मेरे सामने भी नहीं, मेरी नजर नहीं हटती इससे। चलो यार मैं तो निकलती हूँ जरा, आज मेरा एक इंटरव्यू है बहुत ही अच्छे फैशन हाउस में। इंशाल्लाह अगर ये इंटरव्यू पास हो गया ना तो मैं भी एक नया फोन लूंगी, शायद इससे थोड़ा सा सस्ता। चलो अब जल्दी उठो यहाँ से। तुम ज्यादा इसको मत बिगाड़ो फतोष। क्या तुम चाय पियोगी आसुमान? आइए। शुक्रिया। और अब हम फिर से फरीद असलान के सामने आ गए। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है फरीद, कल तुम हमें यहाँ से निकाल रहे थे और आज तुमने हमें बुला लिया। देखो फरीद असलान, मेरा वक्त बहुत कीमती है, तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, कल बुलुत की सालगिरह है और मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। नहीं, मुझे बुलुत से मिलने की इजाजत है, वकील ने बताया होगा, ऐसा ही है ना? अभी उसका इलाज चल रहा है, तुम जब चाहो उससे आकर मिल सकते हो, लेकिन हमारे घर पर। तुम्हारे घर नहीं मिलूंगा मैं उससे। और भला तुम लोग कहाँ से उसके अपने हो गए, इसका जवाब है? मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं उसकी फूफा हूँ और वो अपनी सालगिरह पर मेरे साथ रहेगा। और उसके लिए भी यही अच्छा होगा कि उसे भी समझ आ जाए इस बात की कि उसे हमारे साथ ही रहना है। ऐसा कभी नहीं होगा, अभी हालात अलग हैं। लेकिन कल वो मेरी अम्मी से मिलेगा और हर साल की तरह उसे इस साल भी हमारे साथ ही होना चाहिए। उस बच्चे के लिए इतना गम काफी है कि उसने अपने माँ बाप को खो दिया है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बच्चे की नफ्सियात पर गलत असर डालने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वकीलों से बात करके एक दिन के लिए ले जा सकता है। ब्लूत को ले जाओ, तुमने देखा मैं कितना समझदार आदमी हूँ, तुमसे भी इसी रवैये की तवक्को रखता हूँ। चलिए चलते हैं मैडम।
इंगिन साहब चिंग साहब आते ही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस फैशन हाउस को आप सबसे छुपाती हैं वो यही है मिस फतोश। कैसे हैं आप? दरअसल फॉर्म पे 2 नंबर मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है। दूसरा नंबर मैं कहाँ से दूँ? आप चाहे तो इसमें किसी का भी नंबर लिख सकती हैं, मोबाइल फोन का भी चलेगा। मुझे भी यही लगा था, इसी वजह से मैंने एक नंबर लिख दिया है। दरअसल मुझे ना फॉर्म भरने की आदत हो गई है, तो मैंने सब कुछ अपने हिसाब से भर दिया है। आप जरा एक नजर चेक कर लीजिएगा और कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। फतोश यालचिन, फैशन स्टाइलिश एंड फ्रेश ग्रेजुएट, नो फैशन हाउस एक्सपीरियंस, फॉरेन लैंग्वेज इंटरमीडिएट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब सही है। ठीक है फतोश मैडम, हम आपको कॉल करेंगे। क्या आप लोग सच में मुझे कॉल करेंगे? मना भी करना हो ना तो कॉल जरूर करिएगा। वैसे हम सिर्फ तजुर्बे वालों को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एंगिन, तो तुम्हारी सारी बातों में सिर्फ पेशा सच था? हाँ, मेरा नाम भी सच्चा था। बात है यार नाजली, फतोश के ख्वाब जैसी कहानी का ना रोना अंजाम हुआ है आज। बस भी करो फतोश, ये सब तो नसीब की बात है। पर फतोश तुम्हारी क्या किस्मत है, तुम्हें भी एंगिन के सिवा और कोई नहीं मिला। मेरे सारे सितारे गर्दिश में है यार। लानत है ऐसी किस्मत पर। आपका झूठ या गम ज्यादा देर छुपा नहीं रहता, पर मैं सच्चाई बताने वाली थी कसम से यार। तुम तो सच में रो रही हो फतोश, कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, प्लीज ऐसे मत रो। कितनी प्यारी सी दोस्त है मेरी। अच्छा मैं अपनी शाम की क्लास कैंसिल कर देती हूँ, फिर हम 7 वक्त गुजारेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, पक्का ठीक हूँ मैं। कम से कम ये सबक तो सीख लिया कि झूठ पर कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। और मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया यार नाजली, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों कह रही हो? अब सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों रूममेट्स हैं, और ये भी कि तुम झूठी फतोश के साथ रहती हो। सब जगह अफवाह फैल जाएगी कि ये दोनों लड़कियां तो बहुत बड़ी झूठी हैं। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता फतोश, सब बाहर में जाएं। तुम्हें लगता है तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा मुझे लोगों की बातों में इंटरेस्ट होगा इस वक्त? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जरा ये तो ट्राई करो कैसा बना है। चलो अपना मुँह खोलो। दादी जान कहा करती थी कि ये खाने से अच्छा लगता है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? यार ये बहुत ही अच्छा बना है, तो मेरी बहन बन जाओ ना प्लीज। बिल्कुल बनूंगी मेरी दोस्त, इधर आओ, आ जाओ। वैसे तुम्हारी बड़ी बहन हाइट में थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब में कहीं ना कहीं आसमान की आदतें हैं फतोश, हमारे लिए यही काफी है कि हम दोस्त रहे हमेशा। तुम तो पहले से ही मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो वल्ला। कुकीज अच्छी बनाई है ना मैंने? बहुत अच्छी बनी है। ओह, तुमसे बातों में तो मेरा सूप ही जल रहा था, बता भी नहीं रही तुम। वैसे मैं भी तुम्हें कभी गले लगा सकती हूँ फरीद साहब की वजह से। मुझे फिर से वो याद आ गया। बुलुत बेटा, बुलुत, बुलुत मेरी जान, कल तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारी दादी जान और अंकल भी होंगे। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है। पप्पा अब मैं आपके कमरे में खेलने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, मेलिस आंटी के साथ जाओ। ओके ठीक है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ, आराम से। हमें इतनी आसानी से बुलुत को लेके जाने नहीं देना चाहिए था। दमित शांत हो जाओ, हम उनसे वैसे भी नहीं जीत सकते, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, घबराओ मत, हम उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इतने टाइम से सबर कर रही हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं हर उस चीज को
हासिल कर लूंगी जो मेरी है। तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर चीज। सब्र रखो मेरी जान। आज बहुत गर्मी हो रही है मेरी जान, डैमिट। मैं पूल में जा रहा हूँ यार। बहुत अच्छे। कर रही हो? क्या बताऊं, हमारा काम उन लोगों ने अचानक से बंद कर दिया। क्या सच में? पर ऐसा क्यों किया? लंबी कहानी, कभी फुर्सत से बताऊंगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? एंगिन को मेरा सच पता चल गया। क्या सच में? तो फिर हम लोग घर नहीं जाते, कहीं बैठते हैं और दुख बांटते हैं अपना अपना। नहीं यार, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। उफ, बहुत अजीब कैफियत है। चलो भी यार। अच्छा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे वो देख लेंगे। भाई, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। अगर वो अमीर नहीं भी होती तब भी मुझे बहुत पसंद करती। मैं नहीं जानता उसने क्यों झूठ बोला। इसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। वो सारे हथकंडे अपना के तुम्हें अपना बनाना चाहती है। तुम्हारा पैसा दिखता है उसे। ये लड़की फतोश, इसे क्या फर्क पड़ता अगर तुम्हारे पास अपना फैशन हाउस है या नहीं? फतोश नाम बताया ना तुमने उसका? डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। बिल्कुल हाँ, वही है वो लड़की। नाजली की एक रूममेट है जो हूबहू इस सुली से मिलती है। नीली आंखें। हाँ बिल्कुल। रुको जरा, उसका नाम इंटरनेट पर डालकर चेक करते हैं, क्या पता मिल जाए कुछ। फतोश, यही है स्पेलिंग। ज्यादा तस्वीरें तो नहीं है लेकिन यही है, देखो। यही है वो, नाजली की दोस्त फतोश। ओ मेरी जान, जो बर्फ से भी ज्यादा सफेद है, अपनी मोहब्बत से इस हलवे को मीठा कर दो। और तुम कैल्शियम की दुकान जरा इधर आओ, जो दांतों को मजबूत और खूबसूरत बनाता है। पूछो कौन है वो? दूध दूध दूध। आप फतोश और आलिया बाहर घूम रहे हैं, मैं उनके साथ बाहर चली जाऊं, आप आएंगी? आप अजान। हाँ सुमान, हाँ हाँ। अगर तुम ना रहो तो लोगों को जन्नत मिल जाएगी, सुकून आ जाएगा सबको। जाओ आसमान, मुझे अभी अपना होमवर्क करना है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ। तुम मुझे परेशान मत करो। ये जगह तो पहले ही जंग का मैदान लग रही है। पहले जरा यहाँ से निकलने की कोशिश करें, फिर जो दिल चाहे वो कीजिएगा। जाओ आसमान, यहाँ से फौरन चली जाओ। तुम चाहो तो भाग के भी जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी है, बस तुम चली जाओ। जाओ। पागल हो गई है। कुछ अच्छा मत बोलो। डेनिस, मैं आसमान से दरवाजे पर मिला और उसने मुझे अंदर आने का कहा, तो मैं अंदर आ गया। माफ करना अगर तुम डर गई हो तो। ऐसा नहीं है डेनिस, मेरा तो आधा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है, पर मेरा दिल वैसे भी बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर एक शर्त पे। अगर तुम किचन की थोड़ी सफाई कर दो तो देखो कितना गंदा हो रहा है। जरूर। वहाँ कुछ बर्तन भी पड़े हैं, काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानो बहुत सुकून मिलेगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। मैंने उस लड़के से ये कहा कि मेरी डिटेल्स पढ़ के बता दो कि कोई गलती तो नहीं है। बस यही बात हुई और मैं मुड़ी जैसे ही, तो मैंने देखा कि एंगिन तो मेरे सामने ही खड़ा है। अरे मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाकर उदास कर दिया ना,
तुमसे तो पूछो ही नहीं यार। अरे ये तुम्हारी पुरानी वाली जगह है ना जहाँ से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था? नहीं वो दूसरी जगह है। फिर उसने तुम्हें क्यों निकाला? वो क्यों तुम्हारे प्रोग्राम में टांगड़ा रहे थे? चलो उस जगह पर चलकर धावा बोल देते हैं। अरे जाने दो यार, उस आदमी ने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई और फिर वो वहाँ परफॉर्म करने लगी और अचानक से फिर वो मेरे गानों में दखल अंदाजी करने लगी। मुझे कहती है ये ना गाओ वो ना गाओ। कितनी बेशरम है। लेकिन उस लड़की का इस सब से क्या ताल्लुक है? पता है मैंने बॉस को यही सब बताया था। शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। अरे यार बहुत अच्छा किया आलिया। बिल्कुल, यानी मैं जॉब छोड़कर निकल गई वहाँ से। अच्छा तो तुम्हें उन्होंने नहीं निकाला, खुद काम छोड़ा है तुमने? नहीं तो मुझे निकाला गया है, मुझे जाने को कहा। हाँ तुमने एंगन से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बहुत डर गई थी और इतनी देर में वो वहाँ से चला गया। हाय ये तो बुरा हुआ। हाँ ये तो है, हम तो बस यही चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह हैंडल हो जाए यार। हाँ लेकिन उसे सब बताने से पहले ही ये सब हो गया। मैंने एक दो बार कोशिश भी की थी लेकिन तीसरी बार छोड़ दिया। अरे यार थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी किस्मत के लिए ही पी लेते हैं, क्या करें। उठाओ ग्लास। हम बागी दिलों के नाम। ये जगह कितनी उदास है ना यार। Excuse me, please, sir. कहिए। आप इस जगह के ओनर हैं क्या? जी हाँ मैं ही हूँ। क्या आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा नहीं बजवा सकते? हम वैसे ही उदास हैं, यहाँ आकर तो और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए। फतोष क्या है यार, मैं एक अच्छे कस्टमर की तरह इनसे कह रही हूँ। आप जो चाहें कह सकती हैं। देखिए ऐसे तो माहौल बहुत ही अफसुर्दा रहेगा, क्या आप कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ? सच बात तो ये है कि आज कैरोके नाइट है। अच्छा, पर कोई भी गाना गाने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, जब गाने की रात है तो तुम यहाँ क्या करी हो? स्टेज पर जाकर गाने क्यों नहीं गाती? अरे तुम कब आई? हाँ मैं बस अभी आई हूँ। ठीक है मैं गाना गाऊंगी लेकिन तुम दोनों साथ होगी। क्या तुम्हें कोयल के साथ कौवे की आवाज़ चाहिए अपने गाने में? हाँ बिल्कुल। अब समझा इसीलिए फतोश वहाँ नहीं होती थी जब भी मैं डेनिस के साथ गया हूँ। कितना अच्छा रिश्ता बना लिया है इन्होंने, ये हमारे खानदान में सबको जानती है। तुमने पहली दफा बिल्कुल सही बात की थी एंगन, ये लड़कियाँ सिर्फ पैसों के पीछे हैं, इन्हें सिर्फ एक अमीर शौहर चाहिए या बॉयफ्रेंड। और जानते हो बिल्कुल मुख्तलिफ लगी थी मुझे, खुश मिजाज अकलमंद मजाकिया। यार फरीद पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में इतना पसंद आया था कोई यार। इससे पहले कि देर हो जाए उसके सारे रंग अभी देख लो। वैसे मैंने जो कुछ भी कहा वो नाजली के लिए भी सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाजली इसके बारे में ना जानती हो। उसने भी तो ये राज रखा और शायद उसकी मदद भी की होगी उसने। मैं बहुत ज्यादा कह रहा था क्योंकि तुम औरतों पर भरोसा नहीं करते, पर शायद तुम सही कहते हो। मुझे लगता है कि सारी औरतें ही इस तरह की होती हैं, पर मैं अभी तक किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो मुझे इतने लंबे अरसे तक धोखा दे सके। पर भाई हम सबको एक ही तराजू में तो नहीं तोल सकते ना यार। तुम्हें याद नहीं है नाजली ने बलूत के लिए क्या कुछ नहीं किया? मुझे लगता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं और वो यहाँ भी बहुत मेहनत से काम करती है। एंगन उसकी दोस्त फतोश झूठी है। तुम्हें याद है हमने उसकी बहन को जेल से छुड़वाया था, उसने गलतफहमी कह के टाल दिया था। ये इस बात से साबित होता है कि वो किस तरह के लोग हैं। मुझे नहीं पता फरीद, मुझे नहीं पता, पर नाजली ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम उस पर शक करें। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं यार, मुझे लगा फतोश सबसे अलग है। हमारी जिंदगी में कोई भरोसेमंद औरत आएगी भी कि नहीं? नहीं आएगी, भरोसा करना छोड़ दो। अब मुझे ये बताओ कि ब्लूत की सालगिरह में तुम नाजली को बुलाओगे या नहीं? नहीं, उसमें बस खानदान के लोग होंगे, अजनबियों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, हमने यहाँ का माहौल बहुत बोर देखा तो सोचा इसे रंगीन बनाया जाए, तो फिर इस शाम को रंगीन बनाने के लिए मेरा साथ देंगे फतोश और आसमान। अरे पागल पागल हो गई हो क्या? नहीं चलो ना। ये गाना है
और गाना होना चाहिए। देखो मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना, कल बुलुत की सालगिरह है और हम दोनों चल रहे हैं। डेनिस, कितने वक्त के बाद पूरी फैमिली एक साथ होगी, मैं बीच में नहीं आना चाहती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, बुलुत बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम हमारे घर का हिस्सा हो। तुमसे कोई नहीं जीत सकता, मैं तुम्हें और केक ला के दूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफी है। याद रखना, अगर हर बार तुम बावर्ची खाने में गंदगी मचाओगी तो तुम्हें बर्तन धोने के लिए चाहिए होगा कोई। मैं गंदगी नहीं करती, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी ये देखने के लिए कि तुम किसी शेफ के असिस्टेंट बन सकते हो या नहीं। तुम इम्तिहान में पास हुआ? हाँ बन सकते हो, लेकिन कोई भी बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखना, उम्मीदें कम रखो। सच में बहुत जबरदस्त है, तुमने अच्छा काम किया है। जापानीज में क्या कहेंगे? जापानी में इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड है, जब खाना अच्छा लगे तो कहते हैं इतादाकी मासू, यानी हर वो इंसान जिसने खाना उगाया, इकट्ठा किया, चखा और सारे मसाले उगाए, वो सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस वर्ड से वो शुक्रिया अदा करते हैं। जी हुजूर, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम्हें ये जबान और सकाफत क्यों पसंद है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों पसंद है? पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कोई एक तो होगा ही ना, जैसे मेरा फेवरेट पुर्तगाली में है और मुझे वो पसंद है बहुत। सौदादे, मतलब ऐसे इंसान को पसंद करना जो आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत अच्छा है डेनिस, मुझे लगता है हमें साथ कॉफी पीनी चाहिए। जरूर। अच्छा उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो फिर डन है ना, कल हम बुलुत के पास चल रहे हैं। मुझे एक अच्छे से तोहफे का सोचने दो। आपका बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफी है। आलिया, सुमान और फतोश की तरफ से शब बखैर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा गाया। क्या आपने कहीं से सीखा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने गाना गाया पूरी महफिल ही लूट ली, बहुत मजा आया। जी शुक्रिया, हमारा एक ग्रुप भी है। जी हाँ, और मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ सबके, और मैं इस ग्रुप की मैनेजर हूँ। हम ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ हमें बहुत अच्छी ऑडियंस मिल सके और हम अपना गाना भी गा सके। मैं ये चाहता हूँ कि आप यही गाएं। क्या आप इस जगह की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके अलावा हमारे और भी जगह प्रोग्राम होते हैं, आप यहाँ गाना शुरू करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको दूसरी जगह भी लेकर जाऊंगा। जैसा आप कहें। फिर हमारी तरफ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी तरफ से भी। फिर कल मैं दोपहर को इंतजार करूंगा आप लोगों से बाकी बातें करने के लिए। ठीक है। बहुत अच्छे, चले फिर कल मिलते हैं। See you. मामू। Hey, मेरे बदमाश बच्चे, दौड़ो मत। मामू। मामू, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं भी, और घर में भी तुम्हें सब लोग बहुत याद करते हैं, जानते हो ना। क्या नाजली भी मेरा इंतजार कर रही है जैसे मैं करता हूँ? नाजली आज नहीं आएगी। लेकिन क्यों? क्यों नहीं आई और कब आएंगी? वो आज नहीं आ पाएगी। आपने अब क्या किया नाजली को नाराज करने के लिए? बहुत बोलने लगे हो तुम। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज मेरे भतीजे की सालगिरह है और मैं ही आज उसके साथ नहीं हूँ।
दिमित, वो बच्चा अब हमारे साथ ही रहेगा, उसे जाने दो, तुम उसकी एक सालगिरह और मना लेना, बात खत्म। बात खत्म नहीं होगी। देखो हकात, मैं बुलुत की जिंदगी में हूँ और अब उन्हें इस बात को मानना होगा। दिमित, बात को खत्म करो, आज या कल वो इस बात को मान लेंगे, और अगर नहीं भी मानते तो इसमें कोई मसला नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, मुझे फर्क पड़ता है। और ये क्यों, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? हमने कोर्ट में दरखास्त डाल दी है, वो क्या सोचेंगे? तुम क्यों परेशान हो रही हो इस बात से? तुम बकवास बात कर रहे हो हकान। अगर तुम फरीद की बात कर रहे हो तो मुझे उससे जरा फर्क नहीं पड़ता। उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं बुलुत की जिंदगी का हिस्सा हूँ। मेरा पूरा हक है कि मैं उसकी सालगिरह पर जाऊँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, और मैं जा रही हूँ। तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी, मैंने कह दिया, समझ गई तुम? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं जा रही हूँ। ठीक है उमर साहब, आप पैसा जमा करवा दीजिए। ठीक है सेविन, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई है ना? नारी जान। अरे मेरा प्यारा बच्चा आ गया, आओ बलूत, खुश आमदीद। शुक्रिया नानी जान। मेरा प्यारा बच्चा, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से मेरी आंटी आई हैं। मैं जानती हूँ। अभी मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन मामू जल्दी अपने साथ मुझे अपने घर ले आएंगे। आ जाओ बुलुत, मैं तुम्हें बिठा देता हूँ। आइए ना नानी जान, आप भी आइए। थैंक यू। अम्मी ठीक तो है ना आप? मैंने बुलुत को देख लिया, अब मैं बेहतर हूँ। डेनिस नहीं आया अभी तक? उसने कॉल की थी अभी, कह रहा था कि पहुंचने ही वाला है बस। आ गए वो लोग। नारी बुलुत, ये सबसे अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। हेलो बुलुत, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई। थैंक यू सो मच। नानी देखा आपने, मेरी नाजली कितनी प्यारी है ना? हाँ बुलुत बहुत प्यारी है। खुश आमदीद, तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया मिस लेमन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माशाल्लाह से आंटी आप बहुत बेहतर लग रही हैं। ऐसे ही है। केक काटने से पहले तोहफा नहीं खोलते भाई, मैंने तो यही सुना है। लेकिन ये तोहफा इतना बड़ा है कि मुझसे रहा नहीं गया। क्या तुम्हें नाज़ली के आने का पता था? डेनिस ने बताया था क्या? चाचू आप इतना अच्छा और इतना बड़ा तोहफा लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े होने के बाद मुझे असली कार मिलेगी ना? हाँ बिल्कुल, फिर तो ट्रैफिक में बहुत टाइम लगा होगा। सही कह रहे हैं आप। क्या हम खेलें? हाँ चलो। चलिए गाड़ी को नीचे रखिए, मैं लेमन आंटी से मिलकर आता हूँ। आप मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हैं? वो कैसे, तुम कहना क्या चाह रही हो नाज़ली? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर ठीक है इस बार मुझे इस बात की वजह अच्छे से पता है। अच्छा तो अब तुमने मेरा दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया है। मुझे ये एहसास हो गया है कि आपका दिमाग पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके साथ एक प्रॉब्लम है, आप दुनिया की सारी झूठी बातों को लेकर उसे सच समझने लगते हैं। यही बात है, मैं ये भी पढ़ सकती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने जो भी इस लड़की के बारे में सोचा वो सब सच था। बहन तो पुलिस स्टेशन चली गई, दोस्त भी झूठी है इसकी, और ये तीनों बस अमीर लड़कों के पीछे भागती हैं। ये घरों में प्लानिंग करती हैं। बहुत ही अजीब बात है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में और तुमसे जुड़े लोगों के बारे में सोचता हूँ? खैर सही अंदाजा लगाया तुमने बिल्कुल।
कोई इंसान जो ऐसा सोच सकता है उसके लिए ये ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फतोश एंगिन को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। तो वो एंगिन को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलेगी क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि फतोश ऐसी नहीं है तो आप मानेंगे क्या? जब वो पहली बार मिले तो एंगिन को गलतफहमी हो गई थी, फतोश उसे नहीं समझा पाई। वो सच बताना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मसला इतना बड़ा हो जाएगा। सच बोलना इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर तुम सच बोलना चाहो तो। क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कुछ बताना चाहा हो और आप ना कह पाए हो? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे आप बात कर सके? अपनी अम्मी, बाबा, दोस्तों, इनमें से किसी के साथ भी नहीं? तब तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं फरीद साहब, बहुत खुशकिस्मत। गड़बड़ नहीं हूँ मैं। कौन आ गया यार? तारिक। सलाम। वो नाजली जा चुकी है। मैं जानता हूँ, और मैं नाजली से नहीं मिलने आया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा। मुझे पता है इंगन साहब के साथ क्या हुआ। नाजली भी घर पर नहीं है, सालगिरह में गई है, मुझे पता है। तो मुझे लगा तुम घर पे अकेली होगी, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं था। हाँ, तुम गलत नहीं थे, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर चलें अगर तुम चाहो तो। अच्छा तो तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है ठीक है। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। तब तक तुम चाहो तो अंदर इंतजार कर सकते हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, सी यू। भीड़ से छुपने के लिए ये अच्छी जगह है। मैं भीड़ से छुपने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, भीड़ ना बढ़े इसलिए यहाँ आई हूँ। ज़ैनब और मैं जब छोटे थे तो अम्मी को दनास करके यहाँ जाया करते थे, या उन बच्चों से बचने के लिए जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बहुत यादें जुड़ी हैं इस जगह से। क्या आप उनके काफी करीब थे? हाँ काफी, पर हम बहुत झगड़ते थे, ना हम साथ रह सकते थे और ना ही दूर। अक्सर भूल जाता हूं कि वो नहीं रही। जब मैं कंपनी जाता हूं मुझे लगता है कि जैसे वो दरवाजा खुलकर अभी अंदर आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि अचानक मेरा फोन बजे। उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता था, वो कभी भी कॉल करती थी दिन रात देखे बगैर, कोई परवाही नहीं थी। मुझे गुस्सा आ जाता था अक्सर, लेकिन अब आप चाहते होंगे कि वो बस एक कॉल करे और आप उसका फोन फौरन उठा लें। आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इस वक्त खुद को संभालना मुश्किल है। आसुमान या मेरे घर वालों में से किसी को कुछ हो जाए तो मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या करूंगी, पर सबको आपकी जरूरत है। बुलूत, मिस लेमन, यहां तक कि डेनिस को भी। चलो वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। क्या है इसमें आंटी?
ये लोग क्यों आए हैं? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर ऐसा मौका नहीं होता तो मैं ये सब नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कान? ओ फरीद अचलान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसकी आंटी सही कहा ना जान, हम बस यहां बलूत की सालगिरह मनाने आए हैं। तुम्हें यहां आने की दावत किसने दी? अगर उन्हें नहीं भी बुलाया तो घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कौन करता है? इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं, चलो टेबल पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाओ जान। फरीद, आंटी को नाराज नहीं करेंगे, अभी बाद में देख लेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ आके बैठो। मेरी आंटी मेरे लिए कैंगरू लाई हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कैंगरू देखने ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। जरूर मेरी जान। लेकिन मैं नाजली के साथ जाऊंगा, है ना? सेविम, अगर केक तैयार है तो ले आओ। तुम्हारा केक आ रहा है बिग बॉस। क्या वो मुझे दोबारा कभी देखना चाहेंगे? क्या तुम देखना चाहती हो? मान लो इंगन साहब तुम्हारे दरवाजे पर आते और कहते, फतोश मैं वो एंगन बिल्कुल नहीं हूं जिसे तुम जानती हो, बस मेरा नाम, मेरा काम, मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे थे, तो तुम क्या करती? मैं तो टूट ही जाती, लेकिन अगर वो मेरे लिए इतने अहम होते तो मैं उन्हें एक मौका जरूर देती और कहती कि मुझे सारी हकीकत बताओ, बस। ये भी ठीक है, यानी इंगिन साहब भी तुम्हारी तरह इंसान ही है, अभी थोड़े उदास हैं, तुमसे थोड़े नाराज भी हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दो, कुछ वक्त बाद वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमसे खुद पूछेंगे कि बताओ फतूश तुम मेरे लिए कौन हो और क्या हो। क्या सच बोल रहे हो तुम? क्या वो सच में मेरी परवाह करते हैं? सच में ना? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वैसे तुम्हें पता है ये सब कुछ गलत संगत का असर है, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। शहर की जिंदगी इंसान को उदास कर देती है, ये गाड़ी घोड़े बंगले क्या क्या, इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है बस, और फिर ऐसी ही गलतियाँ होती हैं। अरे यार इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हा? हा? ओ, कितना सुकून है इसमें। आ जाओ अपने जूते उतारो, जल्दी से आ जाओ। क्या सच में आ जाऊं? हाँ हाँ सच में, झूठ बोलूंगी क्या? आओ चलो अपने जूते उतारो, बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से आओ। वाह भाई, अच्छा बात सुनो, क्या मोजे उतारना भी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, पैरों से मोजे उतार दो। अच्छा लगा? पूरे बदन को देखो कितना सुकून मिल रहा है ना? देखो कैसे सारी टेंशन रिलीज हो रही है ना? क्या तुम्हें महसूस हो रही है? अरे यहाँ देखो, मुझे बताओ ना तारिक। हाँ हाँ मुझे महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। शहरी कीड़े हो ना तुम। क्या? कुदरत के साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर बनाना होगा। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी अगर हम अपने जूते उतार कर इस घास पर चले तो। क्या हम सच में ये करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं किक करती हूँ इस बॉल को। ठीक से खेलो। मैंने पहली बार बुलुत को किसी बाहर वाले के साथ इतना खुश देखा है, क्या मैं इसका राज जान सकती हूँ? ये पहली नजर का प्यार है, बुलुत मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारा इतना साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई, फरीद अकेला था उस वक्त,
बहुत अकेला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मुझे पता है आप कहीं बिजी होंगी। वाह भाई जबरदस्त, चलो चलो केक आ गया। ये बहुत अच्छा है। मैं मम्मी और बाबा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बॉय के लिए ये मेरी तरफ से। जल्दी जल्दी देखो। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच नाज़ली। आई लव यू टू बुलूत। अब जब तक तुम्हें सच में पपी ना मिल जाए तुम इससे काम चलाओ। ठीक है। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा तोहफा। ठीक है, मेरी हेल्प कीजिएगा। सुनो मेरी जान, अब हमें चलना चाहिए। हमने तोहफा दे दिया, केक कट गया, मेरे ख्याल से इतना काफी है। इतनी जल्दी क्या है आका, थोड़ी देर और रुकते हैं। मर्जी है तुम्हारी। कसम से या अल्लाह, क्या तजुर्बा था। मेरी तो सारी उदासी ही दूर हो गई, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई, सब कुछ गया। मैंने भी महसूस किया, तुम्हारा मिजाज बदल गया। कैसे नहीं बदलता, देखो मैं ना एक बैटरी की तरह हूँ जो कि चलते चलते रुक तो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे दोबारा चार्ज करते हैं और वो दोबारा काम के लायक बन जाती है, और जैसे कि मैं चार्ज हो चुकी हूँ। मुझे सुनकर अच्छा लगा। वैसे फतोश, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो, मतलब कभी भी उदास हो या तुम्हें कोई भी काम हो या कुछ भी ऐसा, मैं फौरन आ जाऊंगा और फिर उसके बाद हम चार्जिंग स्टेशन पर जाएंगे और उसके बाद तुम बेहतर महसूस करने लगोगी। सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ ले जाऊंगा ये नहीं पता, शायद पिकनिक या नदी के किनारे या कुछ भी ऐसा जिसे तुम्हें बेहतर महसूस हो। तुमने मुझे खास जगह लेके जाने का वादा किया है, भूल मत जाना तुम, क्योंकि मुझे याद है। अरे वाह, तुम्हें याद है। वैसे मैंने कहना था, कह दिया, जब तुम चाहोगी तब चलेंगे। ठीक है। कितनी खूबसूरत है। क्या कहा? वो तुम बाहर इतनी खूबसूरती से देख रही थी, बस वही कह रहा था। है क्या बताऊं, बस मैं खो गई थी तारिक। हाँ अच्छा हुआ कि तुम मुझे घर से बाहर ले आए, वरना मैं घर पे बैठी बैठी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती, और फिर मुझे उस सोच से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता यार, बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता। मिस फतूश, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कंपनी सिर्फ थेरेपी ही नहीं देती, हम तो स्पेस में भी सर्विस देते हैं। अगर तुम चाहो तुम गाड़ी के पिछले हिस्से में देख सकती हो, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो गाड़ी के पिछले हिस्से में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो, ये मुझे भी महसूस हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम बाद में तफसील से बात करते हैं। ये जगह बिल्कुल नहीं बदली, वही खूबसूरती, वही सुकून। दुआ है कि अम्मी को भी यहाँ सुकून मिले। हाँ आंटी भी अब बहुत बेहतर लग रही हैं। जब वो बुलुत का ख्याल रखेंगे तो जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना, लगता है जैसे कल की बात है जब यहाँ हमारी मंगनी हुई थी। मुझे नहीं याद, मुझे समझ नहीं आता तुमने कैसे सब कुछ भुला दिया है। तुम्हें जो मानना है मानती रहो,
पर मुझसे दूर रहो। दूर ही रही हूँ, इतने साल मैं तुमसे दूर रही हूँ, कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आई। तुम्हें बुलाने की पूरी कोशिश की है मैंने। अगर आज हम साथ होते तो बुलुत को माँ और बाप दोनों मिल जाते। दहमत, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर से बोल रही हो, अब दिल बनाने के लिए कुछ और ढूंढ रही हो। तुम गलत जगह आई हो। मजे तो तुम कर रहे हो उस नौकरानी के साथ, क्योंकि तुम दोनों रात भर साथ रहते हो। अपने शोहर को लो और यहाँ से चली जाओ। मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहो। तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी तरह इंसान मिला है। तुम और अकान एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। सुन रहा हूँ भाई। डीमर और जैनब के साथ जो तुमने किया था वही सेम तुम फरीद के साथ करोगे। ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही है। बहुत सुकून दे जगह है। दुआ है कि अम्मी को भी यहाँ सुकून मिले। हाँ, लेमान आंटी अच्छी लग रही थी। फोन काटो। जब वो बुलुत का ख्याल रखेंगे तो जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कितना अजीब है, तुम्हें याद है कितने टाइम पहले इस बागीचे में हमारी इंगेजमेंट हुई थी, और कल की बात लगती है। मुझे नहीं याद। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब हर चीज खालीपन में मिट गई। यकीन नहीं हो रहा तुम ये सब कर सकते हो। तुम्हें जो मानना है मानती रहो, पर मुझसे दूर रहो। रुक तो गई थी, हजार दफा मैंने तुमसे दूर जाना चाहा, यहाँ तक के तुम्हारे सामने से भी नहीं गुजरी। तुम्हें भूलने के लिए अपना बेस्ट दिया था मैंने। देखो, अगर हम अलग नहीं होते तो बुलुत के माँ बाप आज हम दोनों होते। दहमत, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर से बोर हो गई हो, अब दिल बनाने के लिए कुछ और ढूंढ रही हो। तुम गलत जगह आई हो। तुम भी उसी मेट के साथ मजे कर रहे हो शायद। रात दिन एक साथ रहते हो तुम दोनों। अपने शोहर को लो और यहाँ से चले जाओ। मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहो। तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी तरह इंसान मिला है। तुम और अकान एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। हेलो बेकार, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सुन रहा हूँ भाई। डीमर और जैनब के साथ जो तुमने किया था वही सेम तुम फरीद के साथ करोगे। भाई मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पागल मत बनाओ, इसमें कुछ ना समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। डीमर और जैनब के साथ जो तुमने किया था वही सेम फरीद के साथ करोगे तुम। भाई पक्का ना? अभी किया? ए मकाना, सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। भाई मैं गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। पिछली दफा ये काम जिससे करवाया था उसी से करवा लेते हैं। देखो मुझे भी कर, जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करो। फरीद असलन, इस दुनिया में कल आखिरी बार आंखें खोलेगा, बस इतना ही। बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो हकान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम बीकर के साथ बात कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है। फरीद को मारने जा रहे हो ना, पागल हो गए हो क्या? मैंने भी अपने कानों से सुना है। अपने एक्स फियांसी के साथ पूल साइड पर बातें कर रही थी। हकान, हकान, प्लीज, प्लीज हकान, एक दफा मेरी बात सुन लो, प्लीज हकान। देखो, बागीचे में हम जरूर मिले थे। फरीद को सिर्फ मैं उसके मुंह पर चाहती हूँ। यकीन करो मेरी बात का, अगर हम अलग ना हुए होते तब भी हम बुलुत के माँ बाप नहीं बन सकते थे। मतलब ऐसा चाहती ही नहीं थी मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो क्या कहेगा। क्या कहा उसने? सुन तो लिया होगा जो उसने कहा। सुन लिया मैंने, उसने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हका, रुक जाओ। देखो, एक दफा मेरी बात तो सुनो। देखो, हम दोनों के साथ होने के बाद सब खत्म हो गया। पुरानी किताबें बंद हो गई थी। मैं अगर फरीद से मिलती भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्लान का हिस्सा बनने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन
लेकिन तुम जो कुछ करना चाह रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आकार। ऐसा मत करो, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा हमारा। प्लीज ना फरीद को देखो ना किसी को, हमारी खुशियों पर किसी को हावी ना होने दो। तो हकान समझो मेरी बात प्लीज। सेटल कर लूंगा। मतलब कैसे? क्या मैं रुक जाऊं? जैसा आप कहें। ठीक है, समझ गया। मेरा बच्चा। बाय बाय। बेचारा बच्चा। चलो मैं भी चलता हूं। हाँ यार, मिलते हैं। ठीक है, समझ गया हूं कि आपको लिफ्ट की जरूरत है। आइए छोड़ देता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं यार। हाँ जरूर, चलती हूँ फरीद साहब। अक्सर ऐसे ही आदत है इसकी। बदल भी दो अब इस कबाड़ को, इंसान कब तक खुद से पुरानी गाड़ी चलाता रहेगा? मुझे ऐसे मत देखो, मुझे इस गाड़ी से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी है। अब ऐसे मत देखो इसको, फरीद भाई को भी बहुत पसंद है ये। ख्याल रखना पड़ता है इसका, थोड़ी सी मेहनत लगती है। छोड़ दो, अपने हाथ खराब करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो तुम लोग। वाकई में? खैर छोड़ो, ये तो गैरेज तक पहुंच ही जाएगी। इसके चक्कर में मत पड़ो, कल कंपनी नहीं आ पाओगे। कंपनी? ठीक है। चलो। खुश दिख रहा था, ऐसा लगता है वो धीरे धीरे सब भूल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही सोचना चाहता हूं। हम सब उसकी खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस वक्त हमारे साथ होता तो और भी बहुत खुश होता। अभी के लिए मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। हाँ, मुझे भी। वो हाकान, उसने हमारे भतीजे को गाड़ी में बैठाया और हमारी आंखों के सामने लेकर चला गया उसे। मतलब जब भी सोचो तो दिमाग खराब ही हो जाता है। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं तो खो सी गई। शीशे से बाहर देखना अच्छा लगता है। मुझे भी ये बेहतर लगता है। क्या मतलब? मतलब शीशा उतार देना। हवा को महसूस करना, उसके मजे लेना।
बल्कि उसे मुकम्मल तरह महसूस करना। डेनिस क्या कर रहे हो तुम, अंदर आ जाओ। हाँ। डेनिस, डेनिस क्या कर रहे हो तुम? आइए भाई साहब, आप भी हवा को महसूस कीजिए हमारे साथ। कम ऑन, आइए आइए। खोलो अपने हाथों को। इसलिए तुम बेफिक्र रहते हो, आप समझी मैं। मैं अपनी खुद की गाड़ी में ये सब कुछ नहीं कर सकता। आसमान के साथ बात करने के बाद अब ये करना पड़ेगा। ठीक। अरे नीचे उतरना है क्या? ठीक है। तुम एकदम पागल हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोहतरमा। हाँ, लेना भी चाहिए। जी हेलो। जी जी बिल्कुल पहचान गया। क्या हो गया, खैरियत है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ वहां पर। क्या हुआ? वो आलिया ट्रायल के बाद से थोड़ा बहुत ज्यादा पी ली है उसने, कोई रोक नहीं पा रहा उसे। यार तुम मुझे एक जगह पर छोड़ दो, मैं वहां से टैक्सी लेकर चले जाऊंगा। डेनिस ऐसे कैसे, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, जरूरत होगी कोई। नाज़री ठीक कह रही है। बार बॉय प्लीज मुझे एक और बनाकर दो, आइस भी दो। क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? हाँ बार बॉय, मेरी बात क्यों नहीं मानते? ऑड्री हेपबर्न्स के साथ जेम्स डीन भी यहाँ है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा बच्चों। जीन लोगार्ड भी आया है, देखो तो। ये क्या हरकतें कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? असल में कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत कुछ कर रही हूँ। मतलब कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। क्यों, क्या कर रही हूँ मैं? देखो तुम फिर से हाथ पार कर रही हो। हाँ मुझे माफ करना ऑफिसर साहब, मेरा जो भी जुर्म है उसकी सजा दे दो मुझे। चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं घर नहीं जाऊंगी। बेटे देख रहे हो मेरे दोस्त आ गए हैं। आलिया मेरे हिसाब से घर का एरिया बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, डेनिस ले जाएगा। बाद में सूरज को चमका देना, उसके बाद हवा महसूस करना। ओ, ओ। बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं कहीं नहीं। चलो बस बहुत हो गया, घर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, जब तुम घर जाना चाहोगी हम तभी चलेंगे, अभी हम यहीं रुकते हैं। हम यहाँ से किसी बेहतर जगह भी जा सकते हैं। देखा, हर सिचुएशन में बिजनेसमैन होना चाहिए। सबसे अच्छा आइडिया फरीद का है। कॉन्ट्रैक्ट लाओ, कहाँ साइन करना है? हाँ कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। चांदीप भाई आइए। तुम यहाँ हो मेरे साबरी, क्या हाल है तुम्हारे? इतना ज्यादा पैसा कमाते हो और वैसे भी तुम टैक्स नहीं भरते। 3 किलो पेंट लेकर आओगे और इन दीवारों को पेंट करोगे तुम? इतना मुश्किल है क्या ये? कितनी बुरी बात है। हमारा बजट बहुत लिमिटेड है, तुम ज्यादा पैसे कमाते हो इसलिए जितना बचता है उतना ही कर सकते हैं। मेरी बात का यकीन करे भाई, वैसे भी इन थोड़े से पैसों से गुजारा नहीं होता। ओह छोड़ो साबरी, रो मत मेरे सामने तुम, मैंने पहले से ही माल का इंतजाम कर लिया है, पैसे रख रहा हूँ मैं, मिलना जुलना बातें ये सब मैं कर रहा हूँ। तुम लोग बस एक ट्रांसपोर्ट करते हो और कमा भी बहुत लेते हो, ये कोई वक्त है मिनिमिन खाने का? चाय मंगाओ हक्कान भाई के लिए। शुक्र है भाई, अब हम कमाई कर रहे हैं, हमें अपने हिस्से से कोई दिक्कत नहीं। भाई आपका कोई और हुक्म? वैसे तो आप यहाँ नहीं आते, लेकिन रात के इस पहर कैसे? अजीब सा महसूस हो रहा था,
आज के काम कल पर नहीं डालना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल। अगर कोई मसला ना हो आपको साबरी, अल्लाह माफ करे भाई, हुक्म करें आप। अभी भाई आपका कोई और हुक्म? ये एक दो दिन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रक ढूंढ लेंगे। ठीक है भाई, आपको इन दिनों पैसों की जरूरत है, बस आप काम करना शुरू करें भाई, शिपमेंट मैं देख लूंगा। अल्लाह के वास्ते हटा लो ये चाय, कितना बुरा मिनिमिन है ये। उस डब्बे में से कुछ निकाल कर ले आओ, मेरा गला सूख गया है। तुम मेरे लिए गिलास लेकर आओ। चलो चलो चलो। वाव वाव वाव, सबसे अच्छी क्वालिटी की है। कॉफी के अंदर क्या निकला है दोस्त? आपने खाने का तकल्लुफ उठाया, शुक्रिया। अब ठीक हो? ठीक हूँ, अब आ गई हूँ होश में मैं। दोस्तों मुझे प्लीज माफ करना, कभी कभी बेवकूफ वाली बातें कर देती हूँ मैं। मेरे ख्याल से तुम गलत अल्फाज कह रही हो, कभी कभार नहीं, तुम अक्सर करती हो ये सब। चलो छोड़ो आलिया, कोई बात नहीं। चिकन पुलाव लजीज है क्या? बहुत लजीज है। खैर आप सबका बहुत शुक्रिया, सबसे ज्यादा तुम्हारा फरीद, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, एक चीज पूछनी थी, तुमसे चिकन चबाया नहीं जा रहा या दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? नाजली ये बताओ, पुलाव तो भी खाना है। उफ कैसे यार, मैं नहीं बनाती ऐसा खाना, इसलिए मैं खुद को तसल्ली देती हूँ खाने से पहले। टेस्ट करो, चलो चखाओ थोड़ा। अच्छा बना है वैसे, बल्कि बहुत अच्छा बना है। मैं लेने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? मैं नहीं खाऊंगा। एक मेरे लिए भी लेकर आना। चलो। अल्लाह आसानी करे आपके लिए। भाई मक्खन भी डाल दें? बटर। ठीक है, फिर इसे हाफ कर दें। भाई एक मेरे लिए भी तैयार कर दो। दो क्यों, अपनी बॉडी देखे? हाँ, ये मेरे लिए काफी होगा। फरीद फरीद, तुम्हें ठंड लग जाएगी, यहाँ आकर बैठो। तुम्हें पता है बलूत पुलाव कैसे खाता है? केचप के साथ। यार बलूत को तो मैं कभी भी पुलाव केचप के साथ देती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज ऑलरेडी टेस्टी है उस पे सॉस डालकर उसको क्यों खराब करें, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ हाँ, उसे भर दो उस्ताद, भर दो जबरदस्त। मैं अंदाजा लगा रही हूँ, वो ये है कि नाजली को तुम बहुत चाहते हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, तुम ठीक नहीं हो। मैं अपने होश में हूँ और तुम्हें जानती भी हूँ, तुम्हारी हालत मेरे सामने है। बर्फ की जमीन मोहब्बत की आग में घिरी हुई है। मक्खन थोड़ा ज्यादा लगा। मैं यही सोच रही थी कि सूखा सूखा लग रहा है। ऐसे मैंने क्या कर दिया? बहुत मजे का। केचप? एक बात और कहना चाहूंगी मैं। साफ दिखता है कि वो डेनिस को दोस्त मानती है, उनके बीच में कुछ नहीं है ऐसा। मजाक था, जेलस नहीं हो। अब ये बातें बंद करूंगी या मैं उठ के चला जाऊं? बिल्कुल ऐसे जैसे तुम हो, कोई तुम्हें सच बता रहा हो तो तुम उसी वक्त टॉपिक बंद कर देते हो। ये सब भी तुम्हें गुस्से वाला इंसान बना रहा है। लगता है हाइट देख के दे रहा है सबको। ये पुलाव वाकई बहुत मजे का है। फरीद तुम भी एक पैकेट ले लेते यार। नहीं मुझे नहीं खाना। खैर तुम इधर आओ जरा, आओ। ये बहुत अच्छा बना है फरीद साहब, मैं इसे मेन्यू में ऐड करूंगी। मेरा मतलब है ऑर्गेनिक चिकन डाल दूंगी आपके लिए। ये एक बेहतरीन आइडिया है, तुम खाओ। भाई आपका हाथ हमारे ऊपर सलामत रहे, ट्रक के बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना भाई। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं भाई। बेकर, ये साबरी शिपिंग बिजनेस संभाल तो लेगा ना भाई? अगर ये नहीं कर पाया तो उसको सजा देंगे हम।
उसको सजा देंगे हम। बहुत खूब, डिमर के साथ जैनब को भी सजा दी थी क्या? मैं जब भी ये सोचता हूँ मेरे अंदर शैतान आ जाता है, कसम से। भाई उस काम में हमारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि हमारे आदमी खुद गलत जानकारी लेकर आए थे और बच्चा गाड़ी में ही था। उन लोगों को पता चल जाएगा, वो जाने या ना जाने तुम जान लो ये, मेरा बच्चा मुसीबत में था, कंपनी छोड़कर जा रहा था मैं शेयर होल्डर होता, मुझे बहुत से लोगों के साथ डील भी करनी थी उसके बाद। बिल्कुल ठीक है, तुम देखो हम पहले ही परेशान हैं, तुम दोबारा किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। ठीक है भाई। बहुत लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ, मतलब तुम्हें टैक्सी में बैठा दूँ? ठीक है, मैं थोड़ी देर और बैठूंगी, डेनिस मेरे साथ बैठोगे क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आलिया के साथ बैठो, मैं टैक्सी खुद ढूंढ लूंगी या पैदल चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। आलिया परेशान मत होना, बाय डेनिस। हाँ मिलते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, चिकन पुलाव के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मतलब इस वीक बनाओ क्या पुलाव? कर लो ऐड जो पसंद है। वाह, एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? नोट लिख रही हूँ। तुम्हें भी टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन की प्रैक्टिस हो गई क्या? प्रैक्टिस मगर रिस्क है, कभी फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है, कभी फोन टूट जाता है, कभी वायरस आ जाता है। तुम्हें भी मेरी तरह सरप्राइज अच्छे नहीं लगते? बड़े सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, लेकिन सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते। आपको आमतौर पे अपने कंट्रोल से बाहर वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, क्या ये बोरिंग नहीं है? नहीं, छोटा और सिंपल, बड़ा और मैसी बेहतर है। ठीक है, एक बात पूछनी है मुझे, कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, जिसमें आपकी गलती नहीं है, उसके बाद ऐसा कुछ जो घूमकर आपके पास वापस आया हो और आप उसे कंट्रोल ना कर पाए हो? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जिंदगी उलट पुलट हो गई हो, आप उसमें फंस के रह गए हो, बाहर ही नहीं निकल पाए हो उससे? क्या करते आप? पहले मैं इंतजार करता हूँ सिचुएशन और मैं खुद को देखूंगा, और उसके बाद मैं रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ करता हूँ। वेरी स्मार्ट। डेनिस जब आलिया के पास आ गया तो तुम्हें फरीद ने घर छोड़ा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे, डेनिस घर छोड़ता तो कितना मजा आता, लेकिन तुम्हें फरीद के साथ आना पड़ा। फतोश, आलिया कह रही हूँ मैं, आलिया यानी हमारी दोस्त जिससे हम प्यार करते हैं, वो बहुत मायूस थी और डेनिस के पास रुकने का कहा उसने। बताओ मैं क्या करती, पैदल चल के घर आ जाती क्या? मुझे फरीद ने ड्रॉप कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी ही बात हो गई है नाजली। देखो ना यार कि दोनों ही लोग तुम्हें घर छोड़ने आना चाहते थे, मतलब मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल कहने में, लेकिन तुम दो लोगों के बीच में फंस गई हो। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अरे फतोश कितने खुश नसीब हैं हम, एक बहुत बड़ी वॉर रुकी है। लड़की देखो अब इसको भूल जाओ तुम, एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ रोमांटिक प्रिंस, दोनों ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, वो लोग नहीं बदलेंगे, तुम खुद को बदल लो। और इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं रहना चाहती, मेरा रास्ता साफ है। कौन सा रास्ता है वैसे वो नाजली? ओह ठीक है समझ गई हूँ मैं नाजली। भाई अब ये तुम्हारी मर्जी है, काम करो या कुछ भी, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, बस दोस्ती ही बनाई है तुमने। देखो इंसान को एक इंसान की जरूरत होती है, क्या तुम समझ रही हो मेरी बात? तुमने बहुत पढ़ लिख कर सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, इसीलिए डेनिस तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त रह गया है। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्रिया, मैं सालों से समझाना चाह रही थी, तुम्हें एक मिनट में समझ में आ गया। हाँ सही है, समझ गई हूँ मैं, और इसी वजह से अब से डेनिस से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूँगी मैं तुमसे, क्योंकि तुम्हें फरीद अच्छा लगता है। फतोश आसमान आ जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरी बच्ची, फरीद बॉस है और डेनिस दोस्त है, दोस्त और बॉस में फर्क होता है, समझी तुम? कितनी एनर्जी है तुम दोनों में सुबह सुबह। ये अपना फोन पकड़ो, मेरा ठीक होके आ गया है, अब चाहे इसे फेंको या तोड़ दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं देखना इसे।
टाइम तो देखो जरा। फतोश तुमने मुझे बातों में लगा दिया, देर हो गई है मुझे। मेरी आपा गामजे ने जो मुझे फोन दिया है, चाहे तुम उसे रखो या बेचो, मैं नहीं जानती। कुछ भी करो उसके साथ। ओ मेरे हाथ टूट जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाजली। आप काम पे जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा, बस थोड़ा लेट होगा। फरीद सर, जिस दिन से मैं इस घर में हूँ तब से एक बार भी आपको लेट होते हुए नहीं देखा। क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक है? सुबह मैं थोड़ा सा थका। ओह, अल्लाह आपको शिफा दे। कल रात जो ठंडी हवा थी उसकी वजह से हुआ हो गई है। कहीं आपको फीवर तो नहीं है? नहीं नाजली, ऐसा कुछ नहीं है। है आपको पता नहीं चल रहा है। आप फिक्र मत करें, खुश किस्मती से आज मैं लीमू लेके आई हूँ। मैं आपके लिए अच्छा सा लेमन का कहवा बना देती हूँ, उसमें अदरक और शहद भी डाल सकते हैं हम उसमें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है चिकन सूप, अभी बनाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है नाजली, बस छोटा सा फ्लू है, फिक्र मत करो। खैर फरीद सर, इतना सिंपल भी नहीं है। वीक, आप मुझे बहुत वीक लग रहे हैं। आपका कलर भी फीका पड़ गया है, आपकी आंखें अजीब लग रही हैं। अल्लाह जाने आपको कौन सी बीमारी है, पता करना जरूरी है। आपको आराम करना चाहिए। अरे नाजली मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए। बीमार होता तो क्या पैरों पे खड़ा होता। चलो मैं चलता हूँ। उफ, ये इंसान मेरी समझ नहीं आता। खैर नहीं पीना तो ना पिए, मैं अपने लिए बना लूंगी चिकन सूप। ये लीमू तो बेकार में ले आई। तभी ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं। कमाल उस्ताद क्या हाल है? शुक्रिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है फरीद साहब, बस एक पार्ट का इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, उम्मीद करता हूँ कि वो कल सुबह पहुँच जाएगा। आप ग्रेट हो उस्ताद। शुक्रिया। कमाल उस्ताद के होते हुए तुम्हें पुरानी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। अरे नहीं यार, मुझे नई चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, पुरानी चीजें ज्यादा बेहतर है। क्लासिक गाड़ी अच्छी होती है हमारे गैरेज में भी और म्यूजियम में भी। अगर तुम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो हमें बेस्ट को फॉलो करना चाहिए। गाड़ी और टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से आपकी सवारी का ताल्लुक आपकी रूह से होता है। तुम्हारी रूह तुम्हें छोड़ेगी क्या? या तुम्हारे पैरों पे मशीन लगी है जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी? अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग कहते हैं कि रोबोट्स को भी प्यार हो जाता है। टेक्नोलॉजी की रूह, लगता है तुम्हें रूह के बारे में कुछ इल्म नहीं है। अरे भाई वो क्या है? दमिर का एक्सीडेंट इस गाड़ी से हुआ था। कौन लेकर आया है इसे? मैं लेकर आया हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि कमाल उस्ताद भी देखे इसको। उन्हें मैंने इस गाड़ी का पहले ही बता दिया था। एक्सीडेंट के बाद दमिर की कुछ बागियात वहां पाई गई, अगर तुम देखना चाहो तो। दिखा दो। मेरी गाड़ी में डेंस। ये सब मैंने दिए थे उन्हें, सफर के गीत। मिलेंगे हम जल्दी। नाजी तुम्हें पता है कल रात मैं अपने नए तकिए के साथ सोया था,
ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा, बल्कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे साथ लेकर जाता हूँ। मामू क्या आऊँगा तो भी साथ लाऊंगा। मेरी जान तुम ठीक हो ना? फिकर मत करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा हूँ। बुलुत हम कल ही तो मिले थे, लेकिन एक बात बताऊँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी मिलने आऊंगी तुमसे। वादा? ठीक है, ये जल्दी कब होने वाली है? सबसे जल्दी कब? कल, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, जितना जल्दी हो सके। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, जल्द मिलते हैं। डैमिर गाड़ियों का शौकीन था, तुम्हें पता है उसे गाड़ी बहुत पसंद थी। पता नहीं कैसा एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी ज्यादा यकीन करके इंसान गलती भी कर देता है। मैंने क्या देखा, किस बारे में? तो अब क्या होगा उस गाड़ी का? जब तक इंश्योरेंस का काम होता है तब तक मैं यही हूँ। अगर कोई और तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं है। नहीं भाई, कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरी। तब तक यही रुके आप। ठीक है। कसम से मैं पागल हो जाऊंगा। देखो दोस्तों, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। वो गाड़ी फरीद की कंपनी में क्या कर रही है? भाई हमें भी नहीं पता, कल लेकर गए उसको। बोलो, वो लोग उसको यूं ही नहीं जाने देंगे, शायद म्यूजियम में रखेंगे। मजाक है क्या? मजाक है क्या? मजाक या मजाक जैसा कुछ है क्या? मुझे तो कुछ हंसने वाली चीज नजर नहीं आ रही इसमें। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है बिकर? नहीं भाई। रसूल साहब आप? नहीं भाई। अब बताओ उस गाड़ी के साथ क्या किया था हमने? कितने चांसेस हैं उन्हें पता चलने के? खैर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। असल में उस गाड़ी का उस रोड पर ही डैमेज होना जरूरी था, उसके अलावा कहीं नहीं। मतलब अगर वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा। उस्ताद फिर है सब कुछ। उस्ताद जी पर सब? मतलब उस्ताद पर है सब? क्या उस्ताद, पागल हो गए हो तुम? अगर उन्हें कुछ मिल गया मेरा दिमाग खोल रहा है। तुम्हें अंदाजा है इस बात को, मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कोई ऐसा खतरा ले सकता हूँ? बताओ भाई, मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। क्या? एक प्लान है भाई मेरे पास, मैं देख लूंगा। रसूल, रसूल। ये बताएं, एजेंडे के अलावा कोई और टॉपिक है क्या? फरीद साहब, कंस्ट्रक्शन की लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे मुझे आपके साइन चाहिए। सर आप ठीक तो हैं? आप कह रहे हैं तो मैं आपके लिए टेबलेट मंगवा दूं? नहीं मिसेज इकबाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। खैर मैं बुलुत की कस्टडी के बारे में कोई और मीटिंग नहीं बिठाना चाहता हूँ। अगले हफ्ते तक काम खत्म करना चाहता हूँ मैं। आप यही चाहते हैं ना? क्या बुलुत का ख्याल खुद रखे और उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं? वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बुलुत से मिलने के लिए उन्होंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की। क्या ये बात उनके खिलाफ नहीं जाती? ये अच्छी बहस हो सकती है फरीद साहब, स्पेशली हकान साहब के लिए। बिजनेस कंपटीशन करते करते ये बाकायदगी से अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं, कोर्ट में हम पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। ये मेरा काम नहीं है इसलिए मैंने कोई छानबीन नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि हकान ने इससे भी कुछ ज्यादा किया है। मतलब ये इसके अलावा भी किसी और काम में लगा हुआ है। मैं इसे लीगल तरीके से देखना चाहता हूँ। अगर तो वो लोग ठीक होते तो इस तरह की ऑफर कभी नहीं करते वो हमें। क्या आपके अंदाजे को साबित कर सकते हैं? हमें सबूत की जरूरत है, हमें उसे दिखाना होगा अच्छे से फरीद साहब।
शायद इस दुनिया में ये मुश्किल हो, मगर कम से कम है तो क्या करें, पता लगाने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। गुड लक। शुक्रिया। शुक्रिया। माफ करना मुझे, मैं इंतजार कर रहा था। बैठो प्लीज लॉयर, जल्दी मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको यहाँ दूसरी मीटिंग के लिए बुलाया है, इसलिए बुलाया कि हम दोनों एक सोच पर रह सकें। पहले केस के बाद अब दूसरे की बारी है, हमें किसी भी सूरत में ये भी केस जीतना है। सुनो, बलूत की वसीयत लेने की कितनी उम्मीद है? हकान साहब, इस मीटिंग में वो लोग शुरू से ही लड़ेंगे। वो बलूत से पूछेंगे, अगर वो यहाँ खुश है तो हमारे लिए फायदे की बात है। मेरे ख्याल में हमारे पास एडवांटेज है। बहुत सुकून की बात कही आपने लॉयर, मैं तुम्हारे जैसा सोच रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है हम हार जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, तुम बताओ। अगर हम फरीद असलन को कोर्ट में बुरा साबित कर दें, मैं सोच रहा हूँ कोर्ट में उसे बुरा साबित करने का, क्या कहते हो? लेकिन कैसे साबित करोगे ये? जैसे ये आदमी शादीशुदा नहीं। हाँ, शादीशुदा नहीं है, असल में फरीद असलन की नाइट लाइफ है, मगर नजरों से दूर रहता है, वो मैगजीन में भी नहीं आता। ये चीज, तभी इस आदमी ने फ्यूचर के बारे में कोई सपने नहीं देखे। हमने भी देखा है उसे अपनी आंखों से, ये ज्यादा सही है, हकीम ने अपनी आंखों से देखा है। अब आप शुरू करें सवाल। अंधेरी जिंदगी है इसकी, जैसे प्ले बॉय है, नहीं तो मेरी जान मोहब्बत, हमारे जैसी ईमानदारी, इज्जतदार परिवार है और ब्लूत को अच्छे माँ बाप मिले हैं। हम तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। मैं अच्छे से समझ गया, आप फिक्र मत करें, जो भी होगा करेंगे। फरीद के खिलाफ हमें केस जीतना ही है, ब्लूत हमारे साथ रहेगा। हेलो, क्या हाल है एंगन? ठीक ठाक। क्या बात है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, काफी थके थके से लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तुम्हारी मीटिंग कैसी हुई? मतलब एक मीटिंग की और उसके बाद दूसरी मीटिंग के लिए निकल गए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जाहिर है थकोगे ही फिर। खैर, मुझे भी कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। फतोश क्या? हाँ यार, सच में पागल हो जाऊंगा मैं तो। आखिर मैं किस तरह फंस सकता हूँ एक लड़की के जाल में यार? और नाजली का तो तुम्हें मैंने ही बताया था उस दिन वाली तकरीब में, तुम्हें फंसाने के बाद खुद भी फंस गया मैं, और मुझे पता ही नहीं था कि वो दोनों दोस्त निकलेंगी। कल रात तो तुम कह रहे थे कि ये दोनों दोस्त बिल्कुल अलग हैं, ऐसा ही था ना? हाँ, तुमने मुझे बताया भी था पहले इन बातों के बारे में। हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार, सोचते कुछ है और होता कुछ और है। मैं नाजली के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे फतोश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे सबकी सब एक जैसी नजर आ रही है यार। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, शायद ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। मैं दैनिस की तरफ जा रहा हूँ ताकि दिमाग कुछ ठीक हो मेरा, तुम भी चलो साथ। मुझे नहीं पता यार, देखते हैं। ठीक है। उफ यार, कैसी सफाई करती हो तुम, ये ड्रॉ खुली छोड़ गई हो। कितने प्यारे दिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखो तो। इनका बचपन बहुत अच्छा रहा होगा। अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि किसी भी लड़की पे भरोसा ना किया जाए, करना ही नहीं है। तुमने भी बिलाखिर वो ज्वाइन कर ही लिया। मेरी आंखों में आके डालकर मुझसे झूठ बोल रही थी यार, एक बार नहीं कई बार, पता नहीं क्या कुछ झूठ बोला उसने मुझसे। शायद वो बताना चाह रही हो पर बता ना पा रही हो। ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता, उसने कहना होता तो कह चुकी होती। मेरे ख्याल से उसको यही जिंदगी पसंद है, उसने कहा जाना है तो जाओ। मतलब मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ क्या? पता नहीं कैसे उस लड़की पे मेरा दिल आ गया। अरे भाई, बात करो ना फिर फतोश से। अब भला मैं क्यों बात करने लगा उससे डेनिस, झूठ बोलने में माहिर है वो। झूठ सुनने से बेहतर है कि मैं अकेला ही मर जाऊं, मुझे लगता है मैं भी फरीद की तरह हो जाऊंगा। शुक्रिया। फरीद की तरह नहीं हो सकते तुम, वो पैदा ही ऐसा हुआ था। हाँ सही कह रहे हो। नाजली से बात करो, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। नाजली से बात?
ओ भाई, ये झूठी है सबकी सब, क्यों नहीं समझ रहे? अरे नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है। नाजली को कुछ मत बोलना, वो तो पानी की तरह साफ है। उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो फतोश की जासूसी करे? अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में भी तो सोचो डेनिस। मेरे सामने इतने सारे इंसान हैं और सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फतोश, नाजली, आलिया, आसुमान और हाँ तारिक, मतलब कोई भी सच्चा नहीं है। भरोसा करे तो किस पे? चलो ओके, ऐसा करते हैं, मैं सबकी मीटिंग रखता हूँ, तुम सबको एक एक करके देख लेना, ये बेहतर रहेगा। ठीक है भाई, बुला लो मीटिंग पर। मेरे ख्याल में अब सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ लेकिन फतोश ना है, सुन लो, उसे मैं नहीं देखना चाहता, उसके अलावा जिसे आना है। ठीक है, नहीं आएगी वो। ये जो मकरू मुस्कुराहट है ना तुम्हारे चेहरे पे, सब देख रहा हूं मैं। आलिया मैम, मुझे लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो इसलिए आप आराम से बैठिए। ओ एंगेल सर, अगर आप चाहें तो हम गाड़ी में इंतजार कर लें। अपना मुंह बंद करके बैठो। ठीक है। हाकिम साहब, हम डिफेंस पहले लेते हैं। नहीं, मैं कुछ भी डिफेंस ऐसी चीज नहीं चाहता, मैं सीधा सीधा लड़ना चाहता हूँ बस। मतलब तुम ऐसे ही सीधा सीधा लड़ना चाहते हो? आखिरकार असली गुनहगार वैसे ही घर पर बैठी है, टीवी के सामने पॉपकॉर्न के साथ मजे मजे की मूवीज देख रही है। उसकी बारी भी आएगी, उससे भी पूछूंगा आसुमान, मगर पहले जो आप लोग कर चुके हैं उसका तो हिसाब ले लूं मैं। मतलब तुम, जब मैं तुम्हें घर छोड़ने गया था तो मैंने फतोश को मैसेज किया था, ये तुम्हें कैसे पता? मैं बाहर आया तो मेरा मजाक उड़ा रही थी तुम। ओ अब ऐसा भी नहीं है, मैं यहाँ पर अपने पूरे दिल से आई हूँ। आलिया ने कहा था एंगेन तुमसे पूछेगा तो उसे बोलना हाँ मैं चलूंगी। हम अपने घर में बताएंगे कि असल मुजरिम तो हमारे घर पर ही मौजूद है, उसे तो उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। यार इस तरह के सवाल जवाब से थोड़ा बोर हो गई, कुछ कर लेती हूँ। ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर बाहर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं तो सीधा चलते हैं। बैठ जाओ आलिया, चुपचाप वहाँ बैठना ही बेहतर है। मैं बहुत अच्छी सी कॉफी लेकर आती हूँ। बैठ जाओ सुमान, अभी वो बहुत गुस्से में है। ठीक है बैठ जाती हूँ अगर गुस्से में है तो। दोस्तों इतनी मोहब्बत काफी है, अब मुझे जवाब चाहिए कि तुम लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब नहीं चलेगा यहाँ, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं एंगिन। खैर मैं तो शुरू से ही सच बताना चाहती थी, मैं कह रही थी हम चलते हैं, एंगिन को एक एक बात सच बताते हैं, मगर उस झूठी फतोश ने हमें इजाजत ही नहीं दी। आसुमान तुम अपने जानने वालों को ऐसे बचाती हो? एंगिन साहब, जैसा ये बता रही हैं वो बिल्कुल सच है। इस मुद्दे को मैंने बहुत अच्छे से जाना कि पूरी तरह से जान गया मैं, वो एक शौक था। उसके बाद मैं सच सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा। उसके बाद मैंने खुद को आलिया मैम के बराबर में पाया। आलिया? एक्सक्यूज मी, आलिया मुझे करना है, आलिया मैम को नहीं। ठीक है बस करो। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरे पीछे मुझ पर हंसते क्यों? मुझे लगता है सवाल बहुत हैं। दोस्तों आप लोगों को पहले ही इस बात का एहसास हो गया है कि आप लोग मुकम्मल तौर से गलती पर हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो डेनिस, लेकिन शर्मिंदा नहीं है ये लोग बिल्कुल? देखो एंगिन, हम तुमसे ये खेल खेलने के लिए माफी मांगते हैं, तुम्हें हम बताना तो चाहते थे, ये सब चलता रहा। हम पर यकीन करो, फतोश सच में अच्छी लड़की है और उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। हम सबको माफ कर दो। ओफ ओफ,